गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज इट ऑडिबल काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो क्वालिटी इज ओके और नॉट, राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरी क्विकली। So, good morning everyone. So, once again we are here for studying design of structures, and which I will be dealing with design of RCC structures. We had a lecture before 2 weeks in which we had a discussion on introduction to RCC structures. Thoda us pe discussion humne kiya tha. Let us very quickly revise the things. In the first lecture, हमने टॉपिक्स कितने कवर किए थे? वी हैड डिफरेंस बिटवीन PCC एंड RCC. PCC क्या होता है, RCC क्या होता है वो समझा था हमने. PCC इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, RCC इज रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट. PCC इज वेरी गुड इन कंप्रेशन, इट इज़ वीक इन टेंशन, सो दैट फॉर टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेसिस वी नीड सम डक्टाइल मटेरियल, और टेंशन लेने के लिए कोई मटेरियल चाहिए होगा, एंड विच वी यूज़ एज अ स्टील, और स्टील को हम यूज़ करके रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बनाएंगे. देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट्स चार थे. फर्स्ट वॉज सीमेंट विच वॉज अ बाइंडर मटेरियल, केमिकली एक्टिव मटेरियल. सेकेंड वॉज अ कोर्स एग्रीगेट विच वॉज गिविंग स्ट्रेंथ टू द कॉन्क्रीट. तीसरा था फाइन एग्रीगेट जो हमको एज अ फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, विच विल इनकॉर्पोरेट वर्केबिलिटी इन द कॉन्क्रीट. फोर्थ वॉज वाटर एंड एडमिक्सचर्स. सो इनके रोल हमने देखे थे. देन वी हैड नॉमिनल मिक्स एंड डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट. नॉमिनल मिक्स इन विच प्री डिटरमाइंड रेशियोज वेर यूज, से M20 का हो गया 1:1.5:3. नॉमिनल मिक्स जो हमको ड्यूरेबिलिटी वर्केबिलिटी के क्राइटेरिया को एंश्योर है, मतलब इट विल नॉट एंश्योर यू दैट कि वेदर ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड और नॉट. डिज़ाइन मिक्स विच विल बी डिज़ाइन यूजिंग IS 10262, डिज़ाइन मिक्स करेंगे हम. देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, मतलब इट इज़ दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिसको हम FCK कह रहे थे, ठीक है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेड्स एज पर IS 456, देर वर थ्री टाइप्स ग्रुप्स. पहला था ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, सेकेंड वॉज स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, एंड थर्ड वॉज हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट. वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट ऑल्सो. ऑर्डिनरी में 3 थे, स्टैंडर्ड में 8 थे, और 8 हाई स्ट्रेंथ में थे, ठीक है. देन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. यूजिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको कैसे फाइंड करनी है? फर्स्ट वॉज क्यूब टेस्ट, सेकेंड वॉज सिलेंडर टेस्ट. देन टेंसाइल स्ट्रेंथ यूजिंग स्प्लिट सिलेंडर, डायरेक्ट पुल ऑफ टेस्ट, और थर्ड वॉज बीम फ्लेक्चर टेस्ट. फिर था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें हमने देखा था सीकेंट मॉड्यूलस, इनिशियल टेंजन मॉड्यूलस एंड टेंजन मॉड्यूलस. क्रीप देखा था, दैट वॉज डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, और इट इज़ इंक्रीज इन स्ट्रेन ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, वो भी हमने देख लिया था. एंड लास्ट थिंग विच वी डिस्कस्ड वॉज Why steel is to be used as a reinforcement. So इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, यहाँ पर हम रुके थे. Why steel is to be used as a reinforcement. Reinforcement में स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं?
वेरी फर्स्ट पॉइंट विच वॉज डिस्कस वॉज कि स्टील एंड कॉन्क्रीट बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, दैट इज़ वाई स्टील इज जनरली यूज एज अ रेनफोर्समेंट इन RCC. सो उसके आगे जाएंगे. इन टूडेज लेक्चर विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टील. स्टील के अलग अलग टाइप्स हम देखें तो बेसिकली व्हेन वी कंसीडर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टील विच इज जनरली यूज इन RCC स्ट्रक्चर्स. वन इज माइल्ड स्टील एंड सेकेंड इज HYSD. वन इज माइल्ड स्टील बार्स एंड सेकेंड इज HYSD बार. माइल्ड स्टील बार्स, द माइल्ड स्टील, द ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe 250. हियर 250 इज इंडिकेटिंग इट्स yield strength. Here 250 is indicating its yield strength, which will be denoted by Fy. So mild steel, which is having single grade, that is Fe 250. दूसरा bar होगा हमारा HYSD bar. HYSD, that is high yield strength deformed bars. High yield strength deformed bars. So इसकी yield strength जो होगी that will be higher than mild steel bars. जनरली दोज आर अवेलेबल इन थ्री टाइप्स. वन इज Fe 415, जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ होगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दिस इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ. यील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो हम इसके आगे की स्लाइड में देखेंगे. अभी 415, इट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार. Fe 500 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार. 550 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार. HYSD bar are generally manufactured using hot rolled or cold twisted for shaping. उसका जो shaping होगा, shape जो उसको twist करके हम बनाएंगे. So if you see on the site, अगर आप site पे देखोगे, there are two types of bar which are present. One is mild steel bar, जो simple plain bars होंगे, जिसके ऊपर आपको कोई threading दिखेगा नहीं. If you see the bars, it will be plain bars. Those are also called plain bars. प्लेन बार्स मतलब दोज विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेड ऑन द बार्स. सिंपल एक सिलेंड्रिकल लंबा सा बार होगा, सर्क्यूलर सेक्शन होगा जिसका लेंथ विल बी देयर. देयर विल बी नो थ्रेड ऑन द बार. सेकेंड इज लाइक दिस. यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ बार एट मैनी प्लेसिस. दिस इज अवर HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स. सो वेन इट इज डिफॉर्म्ड इट विल हैव सम थ्रेड्स ऑन द बार. So that is called HYSD bar. On site, if someone is asking you which type of bar, this one is HYSD or this one is mild steel bar, by visual inspection आप बता सकते हो कि कौन सा HYSD होगा और कौन सा mild steel bar होगा. Mild steel will be a plain bar like this. ये pen जो है, it is something like a plain bar. ठीक है. HYSD bar पे आपको threading दिखेंगे and generally those are available in three grades. One is Fe 415, second is Fe 500, थर्ड इज Fe 550. IS कोड में सिर्फ दो ग्रेड दिए हैं, दो ग्रेड के रिलेटेड आपको क्राइटेरियाज दिए हैं. वन इज Fe 415 एंड सेकेंड इज Fe 500. Fe 550 के रिलेटेड क्राइटेरियाज IS कोड में नहीं दिए हैं, लेकिन नाउ डेज इन वेरियस साइट्स और कंस्ट्रक्शन साइट पे या डिज़ाइन में हम Fe 550 भी यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इफ समवन इज आस्किंग यू हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ बार्स आर अवेलेबल इन HYSD, सो इन कोड दैट इज देर आर टू ओनली, बट अब हमारे पास तीन हैं. So 415, 500 and 550, you have to give the answer. ठीक है. Why HYSD bars? HYSD bar are more, its bendability is good, weldability, and it is more corrosion resistance. There are so many other types of bars like TMT bars, thermomechanically treated bars. ठीक है. CRS bars, corrosion resistant steel bars, those are various. Ductile bars, earthquake resistant bars, those are various kind of bars जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं. यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन फाइंड आउट क्या है TMT बार, क्या है आपका CRS बार, क्या है आपका डक्टाइल बार. सो HYSD बार्स को थ्रेडिंग करने का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है. यू हैव टू सर्च इट. आपको वो समझना होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HYSD बार. एक बार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हमको मिल जाएगा. बेसिकली टू इंक्रीज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, जनरली उसको ट्विस्ट किया जाता है. ठीक है. सो HYSD बार्स, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अदर टाइप्स ऑफ बार. दोज आर TMT बार्स, CRS बार्स. ठीक है. एंड वंस यू गो थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑल द बार्स,
आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस काइंड ऑफ बार्स। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि वो हमारे स्कोप में जनरली नहीं आता है। देन ऑल्सो इफ समवन इज नॉट गेटिंग द थिंग्स, वी कैन डिस्कस इट इन द फ्री टाइम इफ अवेलेबल विथ अस। चलो, सो वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉरोजन रेजिस्टेंट। मेन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डायामीटर ऑफ बार विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में कौन कौन से डायामीटर अवेलेबल है। वी हैव 8 mm डायामीटर, 10 mm डायामीटर, 12 mm डायामीटर, 16, 20, 25, 30 टू 40 हायर बार्स, हायर डायामीटर बार्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। बट जनरली फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज हम यहाँ तक के बार्स यूज करते हैं। 56 mm के डायामीटर भी होते हैं जो आपको स्पेशली ऑर्डर करने होते हैं। फाइन, हियर वन मोर डायामीटर इज देयर, 6 mm, 6 mm के डायामीटर के बार्स अभी मार्केट में हमको मिलते नहीं हैं। 12 mm, 14 mm के बार्स कहीं पे आपको मिलेंगे स्टील टेबल में, या यहीं स्टील टेबल में जब हम यूज़ करेंगे। 14 mm बार्स आर ऑल्सो नॉट यूज ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। 18 mm के नहीं यूज़ करेंगे, 22 के नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे 28 के होंगे वो भी नहीं यूज़ करेंगे। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द डायामीटर ऑफ बार विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो इट इज़ 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20, 25, 32, 40 mm, सच काइंड ऑफ बार्स आर जनरली अवेलेबल इन द मार्केट। सो वैन वी विल डिज़ाइन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग सब, तो आप ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन में आप कहीं पे 14 mm के बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ बार्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट। फाइन, चलो, सो वॉट इज यील्ड स्ट्रेंथ, वी विल गो थ्रू इट। अभी हम जस्ट एक टाइप ऑफ बार्स देख रहे हैं। यू शुड हैव आइडिया कि कितने ग्रेड के बार्स अवेलेबल है एंड कौन कौन से डायमीटर के बार्स अवेलेबल है, ठीक है। सो माइल्ड स्टील बार, इट इज प्लेन बार्स, HYSD बार्स इज डिफॉर्म बार्स। फाइन, चलो, फॉर अंडरस्टैंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार, बार की यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, FE 415 इंडिकेट करता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, इट इज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। एंड टू अंडरस्टैंड वॉट इज यील्ड स्ट्रेंथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन, या अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार, यू कंसीडर अ बार लाइक दिस, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जिसको हम कहते हैं UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्टिंग के लिए रखेंगे। एंड वील अप्लाई टेंसाइल फोर्सेज ऑन इट। वेन वी अप्लाई टेंसाइल फोर्सेज ऑन इट, वी विल हैव स्ट्रेन इन द बार। बार जो होगा अपना अलोंगेट होगा, एंड जैसे 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 लोड बढ़ाते जाओगे, लोड अपॉन एरिया, योर स्ट्रेस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो ऑन द वाई एक्सिस आई हैव ड्रॉन स्ट्रेस, एंड ऑन द एक्स एक्सिस स्ट्रेन इज देयर, ठीक है। जनरली ये प्रैक्टिकल जो होता है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम जनरली कवर कर लेते हैं। सो इसकी प्रोसीजर क्या है वो हम डीप में नहीं जा रहे। यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक, इसके रिलेटेड हमको डिज़ाइन में क्या लेना है वो हम देखेंगे। इन द रीजन ओ टू ए द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी लीनियरली प्रपोर्शनल टू ईच अदर, एंड द पॉइंट ए अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट ओ टू ए रीजन, इन दैट पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रपोर्शनलिटी लिमिट, और इट इज कॉल्ड प्रपोर्शनल लिमिट। प्रपोर्शनलिटी लिमिट इज द पॉइंट अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज माई प्रपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। सेकेंड हो गया पॉइंट बी, ए टू बी। सेकेंड मेरा पॉइंट बी जो है, इट इज माई इलास्टिक लिमिट विद इन विच If you remove the loading, आप जैसे 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 लोड अप्लाई करते जाओगे आपका बार जो होगा वो एलोंगेट होता जाएगा। सम स्ट्रेन विल बी, डिफॉर्मेशन विल बी इनकॉर्पोरेट इन द बार, डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ विल गिव यू स्ट्रेन। सो जैसे जैसे बार को हम खींचेंगे वॉट विल हैपन, स्ट्रेन विल बी इंक्रीजिंग। इफ एट पॉइंट बी यू अनलोड द बार, बार के ऊपर जो आप लोड लगा रहे हो या अपना रेनफोर्समेंट जो बार है उसको जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, If you remove the tensile force, the material will regain its original shape and size. This property of the material is called elasticity. So point B is called elastic limit up to which material will behave in an elastic manner. ठीक है, actually जब हम micro level पर analysis करते हैं, so proportionality limit and elastic limit both are different points. ठीक है, but generally in several reference books और कहीं बहुत सारी जगह पर दोनों को एक कह दिया गया है। अदरवाइज अप टू प्रपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन,
अप टू इलास्टिक लिमिट मटेरियल विल बिहेव इन एन इलास्टिक मैनर सो दैट व्हेन मटेरियल इज अनलोडेड मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ठीक है, सो इलास्टिक पॉइंट पे पहुंचेगा. देन वी विल हैव पॉइंट सी विच इज कॉल्ड एन अपर यील्ड पॉइंट. विल हैव अ पॉइंट सी डैश एंड अ पॉइंट डी. ठीक है, पॉइंट सी डैश पे सी डी और सी डैश डी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड प्लेटाउ इन विच माई स्ट्रेन इज. अब देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पे क्या हो रहा है, मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है. ठीक है, वहाँ से ई पॉइंट तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग. दैट रीजन इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग इन विच द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ स्ट्रेन रादर रेट ऑफ स्ट्रेस. यहाँ पे क्या था, इन ओ ए रीजन द डायग्राम वॉज डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ स्ट्रेस, बट यहाँ क्या है, इन डी ई रीजन इट इज डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ स्ट्रेन. क्या होगा स्ट्रेन हार्डनिंग से, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस से क्या होगा, मटेरियल की हार्डनेस हम इंक्रीज कर पाते हैं. ई पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस विच इज कॉल्ड एफ यू और विच इज डिनोटेड बाय एफ यू एंड पॉइंट एफ इज कॉल्ड फेलियर पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज माई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है, फर्स्ट टर्म विच वी नो वी नीड टू अंडरस्टैंड इज यील्डिंग. यील्डिंग मतलब क्या, यील्ड पॉइंट मीन्स जहाँ से आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया दैट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट. एंड द पॉइंट एट विच मिनिमम स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट. ठीक है फ्रेंड्स, सो वन इज अपर यील्ड पॉइंट एंड सेकेंड इज लोअर यील्ड पॉइंट. हेयर द थिंग एफ वाई, जहाँ हम एफ ई 250 या एफ ई 415 या एफ ई 500 लिख रहे हैं, दिस 415 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द लोअर यील्ड पॉइंट. इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द लोअर यील्ड पॉइंट. ठीक है फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यील्ड पॉइंट मतलब क्या होगा, यील्ड पॉइंट मतलब क्या होगा, इट इज द पॉइंट वे फ्रॉम विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी स्टार्टेड. दैट मीन्स वहाँ से आप अगर मटेरियल को अनलोड करोगे तो सम परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व इन द स्ट्रक्चर. मटेरियल विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह जाएगा. अब देखिए इतना रीजन जो है इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक रीजन. वहाँ से आगे जो है इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक रीजन. इन प्लास्टिक रीजन होगा क्या, मटेरियल अगर आप अनलोड कर रहे हो तो मटेरियल विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ठीक है फ्रेंड्स, सो द पॉइंट फ्रॉम विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज स्टार्टेड इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. उसमें भी दो होंगे, वन इज अपर यील्ड पॉइंट एंड सेकेंड इज लोअर यील्ड पॉइंट. अपर यील्ड पॉइंट पे क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एंड लोअर यील्ड पॉइंट मतलब क्या, इट इज द मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. सो नाउ इज इट क्लियर, हमारा जो बार होगा उसको मैक्सिमम कितने स्ट्रेस तक स्ट्रेच किया जा सकता है, और द बार विल हैव मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू एफ यू. उसमें मैक्सिमम कितना स्ट्रेस लग सकता है, और इट कैन अंडरगो स्ट्रेसेस अप टू एफ यू. लेकिन उसमें से हम कितने ले रहे हैं, अप टू एफ वाई ओनली. ठीक है, सो वन इज यील्ड स्ट्रेस एंड सेकेंड इज अल्टीमेट स्ट्रेस. हमारा जो बार है एफ ई 415 उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कम से कम 535-540 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जितना होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा. मटेरियल एफ ई 415 मटेरियल ले रहा हूँ, सो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा 530-540 के रेंज में या उससे भी ज़्यादा. वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज एफ ई 415 में 415 क्या है, तो इट इज़ माई यील्ड स्ट्रेस. सो फ्रेंड्स इज इट क्लियर बिटवीन यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, इज इट क्लियर बिटवीन यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, और इज देर एनी कन्फ्यूजन बिटवीन दिस टू. इन डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट. एंड वेन आई कंसिडर ब्रिटल मटेरियल मतलब कॉन्क्रीट, इन कॉन्क्रीट और इन ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस एट फेलियर पॉइंट. कॉन्क्रीट में हमको ऐसा कोई ग्राफ मिलेगा नहीं. कॉन्क्रीट में जब हमारा क्यूब फेल होगा, वो क्यूब की स्ट्रेंथ को हम, और वो पॉइंट जहाँ पे क्यूब फेल हो रहा है दैट इज माई फेलियर स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस विल बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटल मटेरियल या कॉन्क्रीट. और वेन आई एम कंसिडरिंग डक्टाइल मटेरियल, इन डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट. ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है खास.
आप समझोगे कि स्टील में हम फेलियर पॉइंट का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं डिजाइन में, वी आर एज्यूमिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट। कंक्रीट में क्या करेंगे, कंक्रीट का क्यूब जब फेल होगा, जो पॉइंट पे फेल होगा वो स्ट्रेस को हम कहेंगे फेलियर स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ इन आवर डिजाइन। इज इट क्लियर? राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्रीप एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो मेक श्योर दैट अभी हम इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्रीप विल अकर इन माइल स्टील, वो अभी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू आर मतलब रिमेनिंग योर टॉपिक ओनली, यू डिस्कस रिलेटेड टू दिस ओनली, बिकॉज हमको बहुत आगे जाना है, मतलब इसमें बहुत स्पीड में मुझे लेना होगा। सो आप जो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। क्रीप इज़ नथिंग बट डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोडिंग। माइल स्टील पे भी अगर आप सस्टेन लोडिंग लगा के रखोगे तो क्रीप डेवलप होगा। देर इज़ नो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि माइल स्टील में क्रीप नहीं होगा। चलो सो आई थिंक इट इज़ क्लियर बिटवीन Fe 250, 415 एंड 500, जिसमें 250, 415 एंड 500 आर स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट, और वो यील्ड पॉइंट में भी कौन सा, इट इज़ माई लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस एट द लोअर यील्ड पॉइंट। मेक श्योर दैट बहुत सारी जगह पे आपको MCQ बेस्ड एग्जाम जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पूछते हैं। चलो सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मटेरियल्स, वन इज कॉन्क्रीट एंड सेकेंड इज स्टील। सो मूविंग अहेड फॉर द डिज़ाइन पार्ट, हमको दो चीज़ें मेन अंडरस्टैंड। What if we apply stress more than upper yield point? शैलेश, अपर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा जब स्ट्रेस होगा तो वो क्या होगा, वो अल्टीमेट के लिए निकल जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस होगा, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अपर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, वो आगे निकल जाएगा। When you perform this test, होगा क्या, एक पॉइंट जहाँ आएगा जहाँ आपका फॉर अ मोमेंट आपका स्ट्रेस जो होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आपका स्ट्रेस जो होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। दैट पॉइंट इज जनरली रिफर्ड एज यील्ड पॉइंट। आपको वो प्रैक्टिकल बेसिकली परफॉर्म करना होगा, विच इज एक्चुअली वो पोर्शन तो आपका चला गया है सेमिस्टर थ्री में। सो वॉट यू स्टूडेंट्स कैन डू, आप लोग एक बार प्रैक्टिकल का वीडियो देख लीजिए YouTube पे या कहीं पे अवेलेबल हो तो, अदरवाइज दिस थिंग्स आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो मतलब इफ़ स्ट्रेसेस आर हायर देन अल्टीमेट स्ट्रेस यील्ड पॉइंट, तो आपका अल्टीमेट पे जाएगा। अल्टीमेट से ज़्यादा स्ट्रेस जब डेवलप होगा तो मटेरियल क्या होगा कि फेलियर स्ट्रेस पे चला जाएगा। रेडी, चलो लेट अस गो इनटू द डिज़ाइन फिलोसॉफीज पार्ट। व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन Why the region is called yield plateau? Yield plateau is the region where strain is increasing without any kind of increase in the stress. जहाँ क्या हो रहा है, मेरा strain जो है वो constant, stress जो है constant हो गया, आप देखिए, लेकिन stress strain जो है increase हो रहा है, the constant part of stress strain diagram, the constant part, जहाँ आप पूरा देखिए पूरे ग्राफ में कहीं पे भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। कांस्टेंट मतलब इट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। द रीजन वेयर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यील्ड प्लेटाउ। ठीक है ना, द कांस्टेंट पोर्शन इज कॉल्ड यील्ड प्लेटाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स के आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर, जैसे भी आप फ्री होते हो, आप एक बार पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या टेंसाइल टेस्ट और माइल स्टील बार एक प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, देन एंड ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। क्योंकि विदाउट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ मटेरियल स्टील या उसके रिलेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बेसिक नॉलेज के सिवा आपको ये समझ में नहीं आएगा। एंड एक्चुअली डिज़ाइन के पोर्शन में हमको स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब ये हमको नहीं देखना है कि हाउ टू परफॉर्म टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल स्टील बार। ठीक है ना, सो आई थिंक योर क्वेरीज शुड बी सॉल्व व्हेन यू विल वॉच द
एक्चुअल वीडियो ऑफ परफॉर्मिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्स स्टील बार, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए, देन इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम क्या इससे आगे नहीं जा पाएंगे. चलो, डिजाइन फिलोसॉफीज. द ऑब्जेक्ट ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट डिजाइन इज टू अचीव स्ट्रक्चर दैट विल रिजल्ट इन द सेफ एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन. हमको डिजाइन क्यों करना है? हमको डिजाइन करना है बिकॉज माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ एंड माई स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल. ठीक है, कोई टेबल मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उस टेबल पे 100 केजी का फोर्स लग रहा है, आई एम प्रोवाइडिंग 1 फीट बाय 1 फीट स्टील कॉलम्स, 1 फीट बाय 1 फीट के स्टील कॉलम में प्रोवाइड कर रहा हूँ उस टेबल को सपोर्ट करने के लिए. होगा क्या, टू सपोर्ट दैट 100 केजी फोर्स मैंने 4 कॉलम प्रोवाइड कर दिए हैं, कितने बड़े, 1 फीट बाय 1 फीट के. इट इज़ माई सेफ डिजाइन बट इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल सॉल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली उसी टेबल को सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत पतले से सर्क्यूलर सेक्शन जिसका डायमीटर है से 20 mm का या 25 mm का, वैसे मैंने पाइप प्रोवाइड कर दी है प्लास्टिक की. सो इट इज़ एन इकोनॉमिकल सॉल्यूशन बट इट इज़ नॉट सेफ. सो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, स्टील में हो या RCC में और कोई भी मटेरियल में, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग अ डिज़ाइन, देर आर टू बेसिक थिंग्स विच आई हैव टू कीप इन माइंड. वन इज़ सेफ्टी एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमी. दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है. लुकिंग इन टू द टू पोर्शन, देर आर बेसिकली प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड इन द डिज़ाइन, विच आर, हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर एनालिसिस. आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर एनालिसिस मतलब हमारा जो सपोज G+3 या हमारा जो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है कोई भी, सो हमको उसको फ्रेम स्ट्रक्चर में या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में या एज अ ट्रस कोई भी स्ट्रक्चर में उसको आइडियलाइजेशन करना होगा. सो मतलब हमको क्या करना होगा कि माई कॉलम्स आर लाइक दिस, माई बीम्स आर लाइक दिस. ठीक है, हमको उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर के कोई शेप में उसको कन्वर्ट करना होगा, पूरे बिल्डिंग को हमको स्ट्रक्चर का आइडियलाइजेशन करना होगा. सेकेंड इज एस्टिमेशन ऑफ द लोड, उस पर कौन कौन से लोड लगेंगे, वेदर इट इज़ माई डेड लोड, वेदर इट इज़ माई लाइव लोड, वेदर इट इज़ अ विंड लोड, वेदर इट इज़ अ अर्थक्वेक लोड. ठीक है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लोड्स विच वी कैन कंसिडर. सो एस्टिमेशन ऑफ द लोड्स, वी विल नॉट श्योर अबाउट कि कौन कौन से टाइप के लोड लग रहे हैं और कितने लोड लग रहे हैं. लोड्स आर ऑलवेज टू बी एस्टिमेटेड वाइल यू आर एनालाइजिंग और डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर. थर्ड इज एनालिसिस ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर मॉडल टू डिटरमाइन एक्सियल थ्रस्ट, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन. हम क्या करेंगे कि भाई जो लोड लगा दिया उसके हिसाब से और ड्यू टू दोज लोड्स एक्सियल लोड कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज कंप्रेशन और टेंशन, कितना शेयर फोर्स, कितना बेंडिंग मोमेंट, कितना टॉर्शनल मोमेंट डेवलप हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट वी नीड टू स्टडी. ये सब चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स, आप शेयर फोर्स डायग्राम क्यों प्लॉट कर रहे हो, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों प्लॉट कर रहे हो. इन स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 डिफ्लेक्शन के रिलेटेड चैप्टर्स आते थे, वो हम क्यों डिफ्लेक्शन क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, बिकॉज योर स्ट्रक्चर शुड बी सेफ अंडर डिफ्लेक्शन, बिकॉज व्हेन यू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट इन द बीम देन एंड ओनली देन, बेंडिंग मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे फिर ही हम बेंडिंग मोमेंट के लिए बीम को डिजाइन कर पाएंगे. सो दैट इज द यूजेज ऑफ एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द डिजाइन पार्ट. डिजाइन पार्ट पढ़ने के लिए हमको एनालिसिस पोर्शन जो होगा वो कम्प्लीटली क्लियर चाहिए होगा, अदरवाइज एनालिसिस हमारा गलत होगा तो डिज़ाइन हमेशा गलत ही होगा. सो थर्ड इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर. फोर्थ इज मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट. मटेरियल स्पेसिफिकेशन मतलब कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट चाहिए होगा, कौन से ग्रेड का स्टील चाहिए होगा, एंड रेनफोर्समेंट हमको कहाँ कहाँ चाहिए होगा. एंड लास्ट दैट इज डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड शेड्यूल ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स. डिटेल हमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है वो डिटेल भी पूरे बिल्डिंग के या बीम्स के बात कर रहे हैं, कॉलम्स, फुटिंग, उसके स्ट्रक्चरल डिटेल ड्राइंग बनाने हैं. सो दिस इज़ द डिज़ाइन प्रॉब्लम. डिज़ाइन प्रॉब्लम में हम 1 by 1 टोटल 5 चीज़ें परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज रिलेटेड टू डिज़ाइन फिलोसॉफी. डिपेंडिंग ऑन दिस डिज़ाइन फिलोसॉफी देर आर टोटल 4 मेथड्स फॉर डिज़ाइनिंग RCC एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, और इफ़ यू कंसिडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देर आर टोटल 4 मेथडोलॉजीज. 1 इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड इज अल्टीमेट लोड मेथड, थर्ड इज लिमिट सेट मेथड, एंड फोर्थ इज परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन विच इज़ अ लेटेस्ट मेथड. जनरली हम इन 3 को देखेंगे, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट सेट एंड अल्टीमेट लोड मेथड. सो फर्स्ट लेट अस गो टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड. वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सो सपोज आई एम एज्यूमिंग अ बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to UDL over entire span. ठीक है, UDL is W unit per run,
एंड लेंथ हो गया उसका एल, उसका लेंथ है एल. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच विल बी डेवलप्ड इन द स्ट्रक्चर विल बी एट द सेंटर एंड दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट. ठीक है, दैट इज एट द सेंटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप्ड एंड दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट. नाउ इतने तक हमारा हो गया एनालिसिस का पोर्शन, कि भाई एनालिसिस करके हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप हो गया है वो फाइंड आउट किया. नाउ अब आगे क्या होगा कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ और वी हैव टू यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी वेदर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस बीम. ये पोर्शन था एनालिसिस का. एनालिसिस पोर्शन सभी जगह पे कॉन्स्टेंट रहेगा. इफ़ आई एम एनालाइजिंग अ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग के कॉलम के अंदर कितना लोड आएगा वेदर यू आर एनालाइजिंग यूजिंग एनी मेथड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ, इट मे बी के कुछ फ्रैक्शन में कुछ चेंज आ गया, कुछ पॉइंट में कुछ चेंज आ गया, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. लेकिन लोड के हिसाब से, इफ़ आई एम अप्लाइंग डब्ल्यू लोड ऑन द बीम एंड इफ इट्स लेंथ इज एल, यू एनालाइज दिस बीम यूजिंग एनी मेथड, उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ही होगा. सो एनालिसिस कोई भी मेथड से कर रहे हो आप, देर आर सेवरल मेथड्स टू एनालाइज अ स्ट्रक्चर, जो एक्चुअली आप सब पढ़े नहीं हो. इन स्ट्रक्चर एनालिसिस टू वो जनरली होता है. सो इफ़ यू एनालाइज यूजिंग एनी मेथड लेट दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्टीफनेस मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, कानीज मेथड, देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. कोई भी मेथड से आप कैलकुलेट करो, एनालिसिस का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा. अब क्या होगा कि उस एनालिसिस के रिजल्ट को हमको डिज़ाइन में ले जाना है. ठीक है, सो व्हाइल डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर आपके पास दो चीज़ें हैं. वन इज़ लोड और एक्शन. लोड मतलब लोड के हिसाब से, लोड ड्यू टू लोड द थिंग्स विच आर डेवलप्ड. लोड ड्यू टू लोड कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होगी. शेयर फोर्स डेवलप होगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगी, एक्शियल फोर्स डेवलप होगा, टॉर्शन मोमेंट डेवलप होगी. ठीक है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्शियल फोर्स दैट इज कंप्रेशन एंड टेंशन, एंड फोर्थ इज टॉर्शनल मोमेंट. ये चार चीज़ें ड्यू टू लोड डेवलप हो सकती है. तो हम क्या करेंगे कि मैंने कुछ एनालिसिस किया, मोमेंट मेरे को मिल गए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, नाउ आई कैन इंक्रीज द लोड. मैंने तो ये लोड को एस्टिमेट किया था, आई वॉज एज्यूमिंग दैट कि मेरे बिल्डिंग पे इतना लोड आएगा. माई एजम्पशन कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, एंड इफ माई एजम्पशन इज रॉन्ग और बिल्डिंग पे इससे ज़्यादा कुछ, डब्ल्यू से ज़्यादा कुछ लोड आया, ठीक है, डब्ल्यू प्लस, सो इन दैट केस मेरी मोमेंट जो होगी वो बढ़ जाएगी. और उस मोमेंट के रिलेटेड मैंने अगर डिज़ाइन किया होगा, उस मोमेंट को कैरी करने के लिए मैंने कोई स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया होगा, तो होगा क्या, वो मेरा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस है. सो व्हाट फर्स्ट थिंग इज लोड. हम क्या कर सकते हैं कि भाई डिज़ाइन में एनालिसिस से जो लोड आए हैं उसको हम, लोड मतलब शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स एंड टॉर्शन मोमेंट, जो कुछ भी आया है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. वी कैन हैव अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन लोडिंग. लोडिंग के रिलेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या है कि जो कोई भी लोड है उसको हम थोड़ा इंक्रीज करके डिज़ाइन में कंसिडर करेंगे, सो दैट माई स्ट्रक्चर विल रिमेन स्टेबल एंड सेफ. ठीक है, दूसरा होगा मटीरियल. दूसरा हो गया मटेरियल. हमने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा, कि पहले होता था हमारा यील्ड पॉइंट और उससे आगे था मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस. माई स्टील कैन अंडरगो अ मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू अल्टीमेट लिमिट. अल्टीमेट स्ट्रेस तक हमारा स्टील जो है वो स्ट्रेस ले सकता है. डिज़ाइन में हम कहाँ तक लेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ तक, यील्ड स्ट्रेस तक. उसमें भी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई Fe415 का जो मटेरियल है जिसका यील्ड स्ट्रेस 415 है, आई विल एज्यूम दैट नहीं वो 415 नहीं लेगा, वो सिर्फ 200 ही लेगा या 300 ही लेगा. सो व्हाट आई एम एज्यूमिंग के लोड को बढ़ाऊंगा और मटेरियल के स्ट्रेस जो है या मटेरियल को जो कैपेसिटी होगी उसको घटाऊंगा, उसको रिड्यूस करूंगा. सो टू थिंग्स आर कंसिडर्ड इन डिज़ाइन. फर्स्ट थिंग इज लोड को हम इंक्रीज करेंगे सो दैट सेफ्टी वहाँ पर रहेगी. सेकेंड इज मटेरियल की जो कोई भी स्ट्रेंथ होगी, मटेरियल की जो कोई भी कैपेसिटी होगी उसको हम रिड्यूस करेंगे. दोज टू थिंग्स आर कंसिडर्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन फिलोसॉफीज. ठीक है, सो फर्स्ट इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बिहेव इन इलास्टिक मैनर. इलास्टिक मैनर मतलब क्या हो गया, आप समझो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा था. यहाँ पे आपका एफ यू था, यहाँ पे मेरा एफ वाई था. My steel of Fe415, I'm assuming Fe415, इसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. My steel bar of Fe415 can undergo ultimate stress of almost 530 to 540 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. मैक्सिमम तो कहाँ तक जा रहा है, 530 टू 540, जिसमें से हम उसकी कितनी कंसिडर कर रहे हैं कि 415 ओनली. ठीक है,
इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम क्या कर रहे हैं कि हम एश्यूम करेंगे मटेरियल टू रिमेन इन इलास्टिक रेंज ओनली, मटेरियल टू रिमेन इन इलास्टिक रेंज ओनली। और जब हम इलास्टिक रेंज की बात कर रहे हैं उसका स्ट्रेस जो होगा वो तो 415 से भी नीचे होगा, उसका स्ट्रेस जो होगा वो तो 415 से भी नीचे होगा। सो व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि मटेरियल के अंदर कोई भी टाइप के नॉन लीनियर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे हैं, मटेरियल मेरा लीनियर रेंज में ही है, मटेरियल मेरा इलास्टिकली बिहेव करेगा, मटेरियल इलास्टिक रेंज से बाहर नहीं निकलेगा। दैट इज़ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मटेरियल विल रिमेन और मटेरियल विल बिहेव इन लीनियरली इलास्टिक मैनर ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ कॉन्क्रीट एंड स्टील, यहाँ हमने सिर्फ स्टील का एग्जाम्पल लिया है, कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। मटेरियल विल रिमेन इन इलास्टिक रेंजेज ओनली। आप समझिए कि जब हम इलास्टिक रेंज की बात कर रहे हैं स्ट्रेसेस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, स्ट्रेसेस मतलब मटेरियल की कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ही कम हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो मटेरियल विल बिहेव इन लीनियरली इलास्टिक मैनर, स्टील एंड कॉन्क्रीट बोथ बिहेव्स इलास्टिकली एंड सेक्शंस डिजाइंड एज्यूमिंग द मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, ठीक है। मटेरियल जो होंगे दोनों स्टील और कॉन्क्रीट दोनों को हम एज एन इलास्टिक मटेरियल एज्यूम करेंगे, वी डिजाइन द सेक्शन यूजिंग हुक्स लॉ ऑबे कर रहा है ऐसा एज्यूम करके हम मटेरियल को कंसिडर करेंगे। मटेरियल इज नॉट एंटरिंग इन टू द नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मटेरियल इलास्टिक रेंज से बाहर ही निकल नहीं रहा है। वॉट इज मीनिंग ऑफ इट, मटेरियल इज इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा कि व्हेन आई कंसिडर, सपोज मैंने कोई लोड ले लिया, सपोज मैंने कोई कॉलम डिजाइन कर रहा हूँ जिसके ऊपर लोड लग रहा है, सपोज पी, कोई कॉलम डिजाइन कर रहा हूँ जिसके ऊपर लोड लग रहा है पी। सो आई नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, अ सिंपल कैलकुलेशन आई एम शोइंग, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। सो माई रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेस, माई रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मटेरियल विल बी लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेस। लोड मेरा कॉलम पे कितना लग रहा है कि सपोज 100 किलो न्यूटन, दैट इज फिक्स्ड यूजिंग एनालिसिस से मैंने फिक्स कर दिया है कि भाई कॉलम पे 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, पी इज 100 किलो न्यूटन। सिग्मा मतलब क्या, मटेरियल का स्ट्रेस, मटेरियल कितना स्ट्रेस ले सकता है, मेरा स्टील तो FU तक जा सकता है, माई स्टील कैन अंडरगो स्ट्रेस इज अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस, लेकिन नहीं, वॉट आई एम एज्यूमिंग कि भाई FY तक ही जाएगा। और अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा मटेरियल तो FE तक ही जाएगा, FE इज स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। दैट मीन्स मटेरियल की एक्चुअल कैपेसिटी से डिज़ाइन में हम बहुत ही कम कैपेसिटी एज्यूम कर रहे हैं। द स्ट्रेस और द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इज एज्यूम्ड अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली। और जब हम इलास्टिक लिमिट तक की कैपेसिटी एज्यूम कर रहे हैं होगा क्या, ये स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएंगी। In that case, my area will be higher. So in working stress method, we will have higher cross-sectional area. देखिए, stresses in the material are not allowed to exceed the permissible stresses. Permissible stresses क्या हो गए? Permissible stresses is equal to strength of the material divided by factor of safety. हमने किस में factor of safety consider की यहाँ पे? You have considered factor of safety in the material. कितना? For steel, we have assumed as 1.8. एंड फॉर कॉन्क्रीट वी विल एज्यूम 3। इसका मतलब क्या होगा कि स्टील की स्ट्रेंथ हम कितने एज्यूम करेंगे, तो वी विल एज्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील एज FY/1.8। विल एज्यूम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज इक्वल टू FY/1.8, ठीक है ना। सो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 0.55 FY के करीब करीब, ठीक है ना, 0.55 FY के करीब करीब। दैट मीन्स माई मटेरियल कैन रेजिस्ट और माई मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मटेरियल इज FU, लेकिन स्ट्रेंथ तो हम FY तक की कंसिडर करते हैं, और उसमें भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कहाँ तक, सिर्फ 0.55 FY तक। सो वॉट विल हैपन, माई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट्स विच आर डिजाइंड यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड विल बी हायर, ठीक है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू द लोड्स, लोड को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लोड जो होगा वही का वही कंसिडर कर रहे हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर बेसिकली अप्लाइड टू द मटेरियल्स। वॉट वी कैन डू, अब देखिए, एरिया इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेस, हम क्या कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेस। वॉट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज पी, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, और सिग्मा को एज इट इज रखेंगे, और यू कैन रिड्यूस सिग्मा, दोनों से होगा क्या, आपका एरिया इंक्रीज होगा,
एंड एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका डिज़ाइन जो होगा सेफ होगा। सो इज इट मतलब ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, काइंडली काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे डिज़ाइन के अंदर है नहीं, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एग्जाम्पल्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, बट इट्स फिलोसॉफी मस्ट बी अंडरस्टूड। सो हमको ये समझ में आना चाहिए कि वॉट इज स्ट्रेस इज अप टू इलास्टिक लिमिट। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स और शुड आई रिपीट द थिंग्स। ये जो स्ट्रेस हमने लिखे हैं डिनोमिनेटर में वो क्या है, वो मटेरियल के अंदर जो डेवलप हो रहा है, मटेरियल की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम। दिस इज़ नॉट द स्ट्रेस विच इज़ एक्चुअली डेवलपिंग, ये जो है वो हमारे मटेरियल की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मटेरियल कितना स्ट्रेस ले सकता है उसकी बात हो रही है। इज इट क्लियर? सो वंस अगेन, वर्किंग स्ट्रेस मैथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मैथड आप समझिए बहुत सारी जगह पर इंटरव्यूज़ में आपको पूछेंगे, इन वाइवाज ऑल्सो, और आप कहीं पर जा रहे हो इंटरव्यू में, वाइवा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके आप दे रहे हो, बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ में पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट सेट मेथड। ठीक है, बच्चे ऊपर से नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट एजम्पशन इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज स्ट्रेसेस आर एज्यूम्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। जब हम मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखते हैं, दैट मीन्स मटेरियल इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं निकलेगा, दैट मीन्स मटेरियल को जैसे ही हम अनलोड करेंगे क्या होगा, मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। व्हेन वी लोड द मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली, कोई भी टाइप का डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप होगा नहीं, दैट मीन्स उसमें कोई भी टाइप का क्रैक डेवलप नहीं होगा, क्रैक इज नथिंग बट अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो इस टाइप वर्किंग स्ट्रेस से कोई भी स्ट्रक्चर को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, क्रैक्स विल नॉट डेवलप, एंड व्हेन क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड व्हेन आई एम डिजाइनिंग अ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। That means when I'm designing a water tank, when I'm designing a dam, when I'm designing a nuclear power plant, which is not a water retaining, but when I'm designing a nuclear power plant, when I'm designing bridges, when I'm designing chimneys, when I'm designing boilers, in such kind of cases, I don't want any kind of permanent deformation in the structure. क्योंकि मेरे डैम या वाटर टैंक में छोटी सी भी क्रैक होगी, वो क्रैक प्रपोगेट होगी और पूरा वाटर टैंक या मेरा डैम जो है फेल हो जाएगा। सो दिस मैथडोलॉजी इज यूज इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वाटर टैंक्स एंड डैम्स, चिमनीस में यूज़ हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ब्रिजेस, वी यूज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सो बच्चे क्या करते हैं, उल्टे से शुरू करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस, दिस मेथड इज़ यूज्ड इन वाटर टैंक, बट व्हाई दिस मेथड इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस, बिकॉज द स्ट्रेसेस आर एज्यूम्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं होगा, दैट मीन्स क्रैक्स जो होंगे वो सब डेवलप नहीं होंगे, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द वर्किंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो वंस अगेन, इट विल हैव अ हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बेटर सर्विसेबिलिटी परफॉर्मेंस। सर्विसेबिलिटी मतलब डिफ्लेक्शन जो हो गया, क्रैकिंग हो गया, फायर प्रूफिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो सर्विसेबिलिटी में होगी, आगे जाके हम देखेंगे। सो इट इज़ हैविंग बेटर सर्विसेबिलिटी परफॉर्मेंस। दिस टाइप व्हेन यू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा, उसमें क्रैकिंग नहीं होंगे। When rotating machines are placed on the this kind of structures, मैंने कोई slab ले लिया जिसपे ऊपर मुझे कोई rotating machine या vibrating machine mount करना है, तो when machine is placed, then when machine is turned on, क्या कर रहा है, machine के due to machine the vibration is taking place. So in this kind of structures which are designed using working stress method, उसमें vibration कम होगा, so this structures will have better serviceability performance when it is compared to any other methods. इसमें होगा क्या, वॉट आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दैट इज इट इज़ डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज एंड क्रीप। लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन जो है, जो क्रीप और श्रिंकेज जो है, दोस आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, उसको अकाउंट करना, उसको हमारे कैलकुलेशन में ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दैट इज श्रिंकेज और क्रीप को हम डिज़ाइन में कंसिडर नहीं कर पाते हैं, एंड विच इज़ द ड्रॉबैक ऑफ WSM। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड वी डो IS 456 1978, द IS कोड विच यू आर यूजिंग इज IS 25456 2000, दिस इज IS 456 1970 है, 1978 वी हैड अ कोड फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड दैट इज IS 456 1978।
सम मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो टाइप के होंगे, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिलेटेड बहुत ही बड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन व्हेन आई विल डिस्कस लिमिट स्टेट मेथड, आई एम नॉट डिस्कसिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ले रहे हैं, कब लेंगे, कितने लेने हैं, वो लिमिट स्टेट मेथड में हम देखेंगे। राइट नाउ व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आप देखिए कि इट इज नथिंग बट हमने क्या लिखा है कि माय वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो, जितना स्ट्रेस एक्चुअली डेवलप हो रहा है वो, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस मतलब क्या, मटेरियल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मटेरियल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो मेरे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होगा कि मेरे स्ट्रक्चर में ड्यू टू लोड्स जो एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, दैट मे बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, फ्लेक्चर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, कोई भी, वो परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम होने चाहिए। नाउ व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ, लेट इज से FY, जब हम स्टील की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 1.8। दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी शैल बी गिवन बाय कोड, वी आर नॉट, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है वो तो कोड हमको कहेगा। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस का जो कुछ, जब भी परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगे दैट विल बी रिलेवेंट टू देयर रिलेवेंट कोड्स, हम डिसाइड नहीं करेंगे। इज इट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा। ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा। व्हाट वी कैन डू, आइदर हम लोड को यहां पे बढ़ाएंगे, आइदर हम लोड को बढ़ाएंगे, लेट अस वी आर मल्टीप्लाइंग लोड विथ 2, वी आर मल्टीप्लाइंग लोड विथ 3। सो जैसे ही आप लोड को बढ़ाओगे होगा क्या, रिक्वायर्ड एरिया आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर आपका सेफ हो जाएगा। और व्हाट वी कैन डू इज परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगे, एक्चुअली मेरा स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस तो FY है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस में मैंने क्या कर लिया, FY डिवाइडेड बाय 1.8 कर दिया, तो ये 1.8 सीधा ऊपर चला जाएगा और मेरा फिर से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट इन वेरियस डिजाइन फिलोसॉफीज व्हाट वी जनरली डू इज आइदर लोड को इंक्रीज करेंगे या स्ट्रेस को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, मेरा एरिया बढ़ेगा और एरिया बढ़ने से मेरा स्ट्रक्चर जो है सेफ होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, चलो सो इन अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड और इन अल्टीमेट लोड मेथड, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड मतलब जो एक्चुअल लोड लग रहे हैं वो, वर्किंग मतलब एक्चुअल, एक्चुअल लोड्स आर इंक्रीज्ड बाय सूटेबल लोड फैक्टर्स टू ऑब्टेन अल्टीमेट लोड्स। क्या करेंगे हम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हम क्या कर रहे थे, मटेरियल के स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोड को इंक्रीज करेंगे। सो सूटेबल लोड फैक्टर्स टू ऑब्टेन अल्टीमेट लोड, हम क्या करेंगे, वर्किंग लोड को 2 से 3 से 4 से सूटेबल लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल रीच टू आवर अल्टीमेट लोड। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, लोड को जो वर्किंग लोड था उसको हमने अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट कर दिया। हमने स्ट्रेस के रिलेटेड कुछ सोचा ही नहीं कि वेदर माई मटेरियल विल रीच अप टू यील्ड स्ट्रेस, वेदर माई मटेरियल विल रिमेन एट द इलास्टिक स्ट्रेस, वेदर माई मटेरियल विल रीच अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस, मटेरियल के रिलेटेड कुछ सोचा नहीं, हमने क्या कर दिया है, स्ट्रेस हमने लोड को इंक्रीज कर दिया है विदाउट लुकिंग इन टू द मैटर दैट कि ये लोड इंक्रीज करने से मटेरियल का स्ट्रेस कहाँ तक जाएगा। सो इट मे बी पॉसिबल कि द फैक्टर ऑफ द जो लोड फैक्टर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज मेरे टेबल या मेरे कोई बिल्डिंग के कोई कॉलम में 100 kN का लोड आ रहा है, वॉट आई एम डूइंग इज उसको लोड फैक्टर 3 कंसिडर करके आई एम डिजाइनिंग दैट कॉलम फॉर अ लोड ऑफ 300 kN। मैंने 3 लोड फैक्टर कंसिडर कर लिया, लेकिन वो 300 kN अप्लाई करने से मेरे मटेरियल में और मेरे कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में स्ट्रेस कहाँ तक पहुँचेगा, वेदर इट विल रिमेन एट इलास्टिक लिमिट, यील्ड पे जाएगा या अल्टीमेट पे जाएगा, ये हम देख नहीं रहे हैं। सो दिस इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो था उसमें हमको क्या हो रहा था, अवर सेक्शंस वेर लार्जर, दैट मेथड वॉज जनरली, अब अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को फ्रेम स्ट्रक्चर लाइक रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें,
तो क्या होगा, इट विल लीड टू अन इकोनॉमी. वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा क्या था, थोड़ा अन इकोनॉमिकल मेथड था थोड़ा सा, बट इट वॉज अ सेफ मेथड. उसमें स्ट्रक्चर जो है वो इलास्टिक लिमिट से बाहर ही नहीं जा रहा है, इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है, तो फेलियर तो बहुत दूर है, फेलियर बहुत दूर है. अब समझो, वंस अगेन वी विल गो टू दैट स्ट्रेस स्ट्रेन पोर्शन. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में अगर जाएंगे तो देखिए, इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन कितना है, इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन इतना ही है, स्ट्रेन इतना ही है, ठीक है. और फेलियर के लिए मुझे स्ट्रेन कितना चाहिए, इतना चाहिए. सो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो फेलियर से बहुत दूर है, मतलब माय स्ट्रक्चर इज़ वेरी सेफ इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड. बट व्हाट इज़ हैपनिंग अल्टीमेट लोड मेथड, मैंने कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लोड इंक्रीज करने से मेरा स्ट्रेस कितना बढ़ेगा वो देख ही नहीं रहा हूँ मैं. इट मे बी पॉसिबल कि मेरा स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए मटेरियल मेरा, और इट मे बी पॉसिबल कि फेलियर तुरंत बाजू में है मेरे. सो इन अल्टीमेट लोड मेथड द फेलियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड, माई स्ट्रक्चर मे फेल इन अ ब्रिटल मोड. मेरा स्ट्रक्चर ब्रिटल मोड में फेल हो सकता है एंड विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड. दैट इज़ वाई वी डू नॉट डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स यूजिंग अल्टीमेट लोड मैथड. जनरली अल्टीमेट लोड मैथड से हम जनरली स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन नहीं करते हैं. इट इज़ एन ऑब्सिलिट मैथड ऑफ डिज़ाइन. जहाँ पे स्ट्रक्चर्स अनसेफ होंगे वो मैथड जनरली कहीं पर भी चलेगी नहीं. बिकॉज इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मैंने दो चीज़ें कही थी, फर्स्ट वॉज सेफ्टी एंड सेकेंड वॉज इकोनॉमी. वर्किंग स्ट्रेस मैथड वॉज एन अन इकोनॉमिकल मैथड बट इट वॉज अ सेफ मैथड. अल्टीमेट लोड मैथड उसमें होगा क्या, सेक्शन थोड़े कम मिलेंगे, छोटे मिलेंगे. इट इज़ एन इकोनॉमिकल मैथड ऑफ डिज़ाइन बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एन अनसेफ मैथड ऑफ डिज़ाइन एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज दिस मैथड एंड दिस मैथड इज़ ऑब्सिलिट जनरली. सो एक बार देख लेते हैं कि अल्टीमेट लोड मेथड, लोड फैक्टर इज इक्वल टू कॉलेप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड. हम क्या करेंगे, जो लोड पे स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो रहा है, जो लोड पे स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना एक्चुअली लग रहा है वो एज्यूम करेंगे. लेट अस एज्यूम कि मेरा कॉलम जो है वो 300 किलो न्यूटन के लोड पे फेल हो रहा है. सो कॉलेप्स लोड इज 300 किलो न्यूटन, वर्किंग लोड इज 100 किलो न्यूटन. सो व्हाट आई विल डू इज माई लोड फैक्टर इज 3, आई विल मल्टीप्लाई माई लोड बाय 3 ओवर हीयर. मैं क्या करूँगा, लोड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कॉन्क्रीट इज ऑब्जर्व्ड. हमने वर्किंग स्ट्रेस में क्या किया था, लीनियर बिहेवियर अप टू इलास्टिक रीजन ओनली वी आर कंसिडरिंग हेयर नॉन लीनियर स्ट्रेन बिहेवियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड. इट जनरली रिजल्ट इन द मोर स्लेंडर सेक्शन. स्लेंडर मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा, उसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग उसका सेक्शनल एरिया जो होगा बहुत ही कम होगा. इट विल गिव यू स्लेंडर सेक्शंस एंड ऑफन इकोनॉमिकल डिज़ाइन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स पर्टिकुलरली व्हेन हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्सिंग स्टील एंड कॉन्क्रीट आर यूज. जनरली वो आपको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन देगा. हाउएवर सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एट अल्टीमेट लोड्स डज नॉट गारंटी सेटिस्फैक्टरी सर्विसेबिलिटी परफॉर्मेंस. सर्विसेबिलिटी परफॉर्मेंस मतलब मैंने पहले भी कहा था, क्रैक्स बहुत हो जाएंगे, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. सो दैट इज़ वाई दिस मैथड इज़ ऑब्सिलिट नाउअडेज एंड अल्टीमेट लोड मैथड हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं. सो इन वर्किंग स्ट्रेस मैथड माई स्ट्रक्चर वॉज डिज डिज़ाइनिंग द एलिमेंट विच वी आर डिज़ाइनिंग वॉज बिकमिंग अन इकोनॉमिकल. यहाँ पर क्या हो रहा है, अनसेफ हो रहा है. सो स्टील प्रॉब्लम वॉज देयर फॉर द डिज़ाइनर्स एंड दे केम आउट विथ अ थर्ड सॉल्यूशन दैट इज माई लिमिट सेट मैथड. इज इट क्लियर अप टू दोज टू फिलोसॉफीज. उन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. अल्टीमेट लोड मैथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मैथड जो है उसका हमको सिर्फ बेसिक बैकग्राउंड ही देखना है. वी डोंट हैव टू स्टडी उसको, उसके रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं ना डिज़ाइन करना है. द मेजर पोर्शन विच वी हैव टू स्टडी इज लिमिट स्टेट मैथड. सो इफ देर आर एनी डाउट्स रिलेटेड टू वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट लोड मैथड काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स वेरी क्विकली. मेक श्योर दैट जो डाउट होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स. उसके डिटेल बैकग्राउंड में हमने बहुत जितना रिक्वायर्ड था उतना ले लिया है. स्टूडेंट्स काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई मूव अहेड.
let us go for limit set method. It is very easy to calculate examples, आप समझिए, but we do not use ultimate load method, just power. We do not use ultimate load method nowadays. We have to use limit set method. And working stress method जो होगा वो water tank जो design करेंगे या bridges design करेंगे उसमें use करेंगे. Ultimate load method से right now we are not designing any kind of structures. So that is why I took it very quickly, क्योंकि उसकी बहुत कम ज़रूरत है हमको. It is very easy to solve the examples, but I think students को basic background सीखने में interest ही नहीं है. That is why I'm seeing that बहुत ही कम students जो हैं वो interact कर रहे हैं, and they just want to solve examples and pass in the exam. But make sure that कि ये सब चीज़ें जो होंगी वो जब आप pass हो जाओगे उसके बाद आपको पूछेंगे, and it will be very difficult to understand those things at the semester 8 या जब आप pass हो जाओगे. ये सब चीज़ें आपको बेसिक बैकग्राउंड ही आपको पता नहीं होगा, दैट विल हार्म यू अलॉट. सो आई थिंक थियोरिटिकल बैकग्राउंड है उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स को आई थिंक इंटरेस्ट है, एंड दैट इज़ वाई आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ डिवीजन ए एंड सी, वेरी फ्यू आर 56 आर हियर. सो पासिंग मार्क्स, टू गेट पासिंग मार्क्स इट विल टेक ओनली टू लेक्चर्स टू, मुझे सिर्फ दो इंटू दो चार घंटे चाहिए होंगे, सो दैट एवरी वन विल गेट पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम्स. बट आई थिंक माई टीचिंग मैथोलॉजी इज रॉन्ग, एंड स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन जस्ट गेटिंग पासिंग मार्क्स. फाइन, चलो. सो थियोरी को हम फटाफट फिर आगे जाने देंगे. लिमिट सेट मैथड और एल्स दे आर नॉट गेटिंग द थिंग्स वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे, क्योंकि थियरी जो है वो नहीं समझोगे तब तक आप डिज़ाइन का जो एसेंस है वो ले नहीं पाओगे. मतलब डिज़ाइनिंग जो होगी वो आप, इट इज़ नॉट लाइक दैट के बी ख़त्म करने के बाद आपने डिज़ाइन पोर्शन छोड़ दिया. आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स हुआ स्टडिंग इन 130-140 स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें ज़रूरत होगी, एंड एट दैट टाइम इट विल डिफ़िकल्ट टू गेन द नॉलेज. चलो, लिमिट सेट मैथड. Two methods were there. One was working stress method, and second was ultimate load method. Third is limit state method. Unlike working stress method, which was based on calculation of service load calculation alone, and unlike ultimate load method, which was based on ultimate load calculation alone, working stress में क्या था, stresses को elastic limit तक रखा जाता था, उसमें लोड को अनटच रखते थे हम, उसमें लोड को इंक्रीज नहीं करते थे, लोड को कुछ हम करते नहीं थे. अल्टीमेट लोड मेथड में क्या कर दिया हमने, लोड को अल्टीमेट लोड पे कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके. स्ट्रेस का जो पोर्शन था, मटेरियल की कैपेसिटी, मटेरियल के परमिसिबल स्ट्रेसेस, उसको अनटच रखा हमने. लिमिट सेट मेथड में क्या करेंगे, लिमिट सेट मेथड एम्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैशनल सॉल्यूशन टू द डिजाइन प्रॉब्लम by considering safety at the ultimate loads. Safety at the ultimate load, that means my structure should be safe at the ultimate load. Ultimate load का मतलब क्या होगा कि मैंने assume किया है 100 kN load, that is my estimation. You must understand the thing that in civil engineering हमको load जो होगा, जो कोई भी load, हमारे dead load है, live load है, flow wind load है, earthquake load है, हम उसको estimate कर पाएंगे. Estimate का मतलब होगा कभी भी वो exact नहीं होंगे. मैंने जो लोड एस्टीमेट किया है उससे लोड बढ़ने के चांसेस होंगे. इन दैट केस व्हाट इज अल्टीमेट लोड, दैट इज एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी. हम क्या करेंगे कि लोड को कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके एक अल्टीमेट लोड तक ले जाएंगे. दैट लोड विच हैज़ अ प्रॉबेबिलिटी कि भाई वो उससे ज़्यादा तो लोड मेरा बढ़ेगा ही नहीं, सो दैट इज़ माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो इन अल्टीमेट लोड मैथड, which are based on the calculation of ultimate load calculation alone, limit state aims for a comprehensive and rational solution to the design problem by considering safety at ultimate loads. मेरा structure जो होगा वो ultimate loads, कोई भी load आएगा, मैंने जो estimate किया है उससे ज़्यादा भी अगर load आए, my structure should be safe. And serviceability at working loads, serviceability that means हमने चार चीज़ें discuss की थी, crack हो रही है, मेरा वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ों में मेरा जो लोड हो, मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्किंग लोड, मतलब एक्चुअल लोड्स.
माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ इन सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अंडर द वर्किंग लोड और एक्चुअल लोड्स. माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ इन अल्टीमेट लोड्स. सो दो चीज़ें लिमिट सेट हमको दे रहा है, वन इज सेफ्टी एंड सेकेंड इज सर्विसेबिलिटी. दोनों चीज़ों को लिमिट सेट ने अलग कर दिया है. सो वॉट इज लिमिट सेट? द लिमिट सेट फिलोसॉफी यूजेज अ मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट. मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट. ULM में क्या था? लोड को ही इंक्रीज कर रहे थे. वर्किंग स्ट्रेस में क्या था? स्ट्रेस को ही डिक्रीज कर रहे थे. हियर इट इज अ मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट जिसमें हम लोड को भी इंक्रीज करेंगे और परमिसिबल स्ट्रेसेस को भी रिड्यूस करेंगे. ठीक है. सो मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट विच अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एडेक्वेट सेफ्टी एट द अल्टीमेट लोड्स एज वेल एज एडेक्वेट सर्विसेबिलिटी एट सर्विस लोड्स और वर्किंग लोड्स. ठीक है. एंड बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल लिमिट स्टेट. ठीक है. सो हियर इन लिमिट स्टेट मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन विच हम सेफ्टी जो होगी वो अल्टीमेट लोड पे इंश्योर करेंगे और सर्विसेबिलिटी जो होगी वो सर्विस लोड या वर्किंग लोड पे इंश्योर करेंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस मूव टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट स्टेट. आई थिंक स्टूडेंट्स मस्ट हैव IS 456 अवेलेबल विद देम बिकॉज इससे आगे जब 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 भी हम पढ़ेंगे IS 456 के रिलेटेड बहुत सारे क्लॉजेज हमको देखने हैं. आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव IS 456. प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स हाउ मैनी ऑफ यू हैव IS कोड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कितना इसके अंदर लेना है, कितने पिक्चर्स इसमें लेने हैं और कितना आपके पास है. इफ IS 456 इज अवेलेबल विथ यू मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जा सकता हूँ. सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ मेनी ऑफ यू हैव IS कोड. प्लीज राइट डाउन. इफ दोज हैव अवेलेबल काइंडली राइट यस हार्ड कॉपी बिकॉज एट अ टाइम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होगा क्या कि आप एट अ टाइम दोनों को स्वैप नहीं कर पाओगे. यूट्यूब वीडियो देखते देखते आप PDF फॉर्मेट में जा रहे हो एक ही मोबाइल में तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्वैप होना आपके लिए. ओके वेरी गुड. So many of the students have IS code. So it will be easier for us if you have IS code. मेरे लिए बहुत easy हो जाएगा और आपके लिए भी understand मतलब समझना बहुत easy हो जाएगा. Let us move to the page number 67. Let us move to the page number 67. Page number 67 IS 456. चलो page number 67 IS 456. I will try that. I can incorporate as many as pictures available with me. जितने मैं ले पाऊँगा उतना तो मिलूँगा ही. But आप लोग भी अगर हो पाए तो IS code थोड़ा manage करिए. What is limit state? Page number 67, 35.1 में हमको दिया है. The acceptable limit for the safety and serviceability requirements before failure occurs is called a limit state. What is limit state? It is the acceptable limit for the safety and serviceability requirements. Hamara structure loads ke under safe bhi rehna chahiye. Hamara structure serviceability criteria ke under bhi safe rehna chahiye. The acceptable limit for the safety and serviceability requirements before failure occurs. Structure mein failure hoga usse pehle mera structure safety aur serviceability requirement ko satisfy karna chahiye. And that is nothing but my limit state. ठीक है. Once again, working stress और ultimate load में हम क्या कर रहे थे? It was a single time factor of safety concept. Here we are using multiple factor of safety जिसमें हम दो चीज़ें हमारा structure ultimate loads पे, ultimate मतलब load को increase किया है factor of safety से multiply करके. हमारा structure ultimate load पे safe रहना चाहिए. ठीक है. हमारा स्ट्रक्चर वर्किंग लोड पे, वर्किंग लोड, सर्विस लोड, एक्चुअल लोड, हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअल लोड पे सर्विसेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि इफ़ आई एम डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर, मैंने कोई स्लैब डिज़ाइन कर दिया एंड दैट स्लैब इज डिफ्लेक्टिंग बाय 1 फीट. वो स्लैब जो होगा वो 1 फीट जितना डिफ्लेक्ट कर रहा है. सेफ्टी, इट्स बेंडिंग मोमेंट इज अंडर कंट्रोल. जितने बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने डिज़ाइन किया था बेंडिंग मोमेंट उससे भी कम है, लेकिन उसमें बेंडिंग मोमेंट, उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो 1 फीट का हो रहा है. ठीक है. इन दैट केस माई स्ट्रक्चर इज सेफ अंडर द लोड्स बट माई स्ट्रक्चर इज नॉट सेफ अंडर द सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया. लिमिट सेट हमको क्या कह रहा है कि द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी क्राइटेरियाज और रिक्वायरमेंट्स
बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट सेट। दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। लिमिट सेट का मतलब क्या है? इफ समवन इज आस्किंग यू द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट सेट, हमको यही डेफिनेशन जो कोड की है वो हमको कहनी होगी। द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट सेट। हियर इन लिमिट सेट मैथड वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टू पैरामीटर्स, वन इज सेफ्टी एंड सेकेंड इज सर्विसेबिलिटी। सो क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। चलो, वन इज लिमिट सेट ऑफ कॉलेप्स और लिमिट सेट ऑफ सेफ्टी, दोनों एक ही चीज़ है। वन इज लिमिट सेट ऑफ कॉलेप्स और लिमिट सेट ऑफ सेफ्टी, उसका मतलब क्या है? इट अकाउंट्स फॉर सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर एट द अल्टीमेट लोड। इट अकाउंट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द अल्टीमेट लोड। मतलब when I'm discussing about safety, my structure should be safe in axial force, that may be a compression or tension, my structure should be safe in compression or tension। हम फिर से एक बार देखेंगे limit state की definition। Second is flexure, flexure is nothing but bending moment, my structure should be safe in bending moment also। Third is shear force and fourth is torsional moment or twisting moment, torsional or twisting moment, ठीक है, torsional or twisting moment। Let us assume एक column में ले रहा हूँ, once again in that column I have designed that column for a load of 300 kN. Axial force, axial compressive force उसमें मैंने जो design किया है वो किया है 300 kN के load के लिए, ठीक है। I'm moving back at the definition of limit state। फिर से हम column के लिए specific बात कर रहे हैं। The acceptable limit for the safety, safety में चार चीज़ें थी, axial force which was comprising कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन मोमेंट। मैं सिर्फ एक्शियल फोर्स में कंप्रेसिव फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ एंड फॉर दैट कॉलम। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द कंप्रेसिव फोर्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड अ लिमिट स्टेट। द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? इट इज 300 kN। आई हैव डिजाइन दैट स्ट्रक्चर फॉर अ 300 kN लोड। सो मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट सेफ्टी में कितनी हो गई? 300 kN। सिमिलरली कोई स्लैब ले रहा हूँ जिसमें बेंडिंग मोमेंट है मेरी सपोज 20-30 kN, तो उसमें होगा द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बाकी सब स्किप कर रहा हूँ, आगे जाके लूँगा। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द बेंडिंग मोमेंट, सेफ्टी में चार चीज़ें आएंगी, एक्शियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन मोमेंट, चार में से कोई भी हम बात कर सकते हैं। सो द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट जो मैंने डिजाइन की है दैट इज 30 kN, उससे ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। कब तक? जब तक वो स्ट्रक्चर फेल नहीं हो रहा है तब तक। बिफोर फेलियर माई बेंडिंग मोमेंट इन द स्लैब मस्ट नॉट एक्सीड 30 kN/m, ठीक है। मेरा स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट के अंडर सेफ रहना चाहिए, दैट इज फर्स्ट लिमिट स्टेट, ठीक है। सेकेंड लिमिट स्टेट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी विच अकाउंट्स फॉर सर्विसेबिलिटी एट द वर्किंग लोड। यू अंडरस्टैंड द थिंग वर्किंग लोड, यू अंडरस्टैंड द थिंग अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड का मतलब क्या होगा? लोड इन टू सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब वो जो आपका एक्चुअल लोड होगा वो उससे ज़्यादा होगा। वर्किंग लोड मतलब क्या होगा? मेरा एक्चुअल लोड और सर्विस लोड, ये टर्म्स बहुत सारी बार हमने लेक्चर में यूज़ की है, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग द थिंग्स। अल्टीमेट लोड पे मेरा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, वर्किंग लोड पे मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल होना चाहिए, बिकॉज मेरे स्ट्रक्चर पे एक्चुअल लोड तो एक्स अमाउंट जितना ही आ रहा है, फॉर द सेफ्टी पर्पज आई एम इंक्रीजिंग दैट एक्स, ठीक है ना। फॉर द सेफ्टी पर्पज आई एम इंक्रीजिंग दैट एक्स, ठीक है। लेट अस एज्यूम, चलो कोई एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आई वांट टू डिज़ाइन वंस अगेन, लेट अस एज्यूम अ बेंच, जो हम कॉलेज में बेंच पर बैठते हैं,
हम कोई बेंच डिज़ाइन करना चाहते हैं एंड आई वांट टू डिज़ाइन दैट बेंच फॉर थ्री स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिज़ाइन दैट बेंच फॉर थ्री स्टूडेंट्स, फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ लोड शुड आई डिज़ाइन द बेंच, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ लोड शुड आई डिज़ाइन दैट बेंच। सेम बिहेवियर हमारा स्ट्रक्चर का होगा, फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ लोड शुड आई डिज़ाइन दैट बेंच, कितने लोड के लिए डिज़ाइन करूँ। आई वॉन्ट टू डिज़ाइन दैट बेंच फॉर सिटिंग कैपेसिटी ऑफ थ्री स्टूडेंट्स, कितने लिए, 300 kg। जय, वेरी क्विकली, बहुत बहुत सारे आंसर चाहिए मुझे, फटाफट लिखिए। 300 kg, एनीथिंग एल्स? 250 kg, 300 kg, 250 kg, 300 kg, ना ना आदित्य 300 kg, मयंक इज राइटिंग 300, हर्ष इज राइटिंग 250। यू आर एज्यूमिंग दैट के 80, 250 to 300 kg, थ्री स्टूडेंट्स इन टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आई एम नॉट नोइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थ्री स्टूडेंट्स भी मुझे पता नहीं है। अर्मिल इज राइटिंग 200 kg, नाउ लेट अस एज्यूम के 80 kg के तीन बच्चे हैं तो उसका ऑलमोस्ट वेट हो जाएगा 240 to 250 kg, ठीक है, शायद कोई 100 kg का बच्चा हो जाएगा तो हो गया मेरा वेट 300 kg। दैट मीन्स 300 से ज़्यादा अगर लोड आएगा तो मेरी बेंच टूट जाएगी स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 300 से, लेट अस एज्यूम दैट वी आर एज्यूमिंग दैट के 100 kg के बच्चे मैक्सिमम होंगे हमारे एलडी में और एट ए टाइम वो तीनों साथ में बैठ रहे हैं, तीनों के तीनों बच्चे जिसका वेट 100 kg है। सो थ्री स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर जिनका क्यूमुलेटिव वेट हो गया 300 kg। सो मतलब कोई बच्चा अब 300 kg से ज़्यादा कोई वेट आया तो माई बेंच विल फेल, ठीक है ना, मेरी बेंच जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है ना। सो इन दैट केस मेरी बेंच फेल ना हो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट अस एज्यूम सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.2, 1.5, कि भाई नक्की नहीं है कोई बच्चा 125 kg का आ गया या कुछ हमने बुक्स प्रोवाइड कर दी या उसके ऊपर हमने कोई मटेरियल रख दिया किसी दिन, तो वी शुड डिज़ाइन द स्ट्रक्चर फॉर हायर अमाउंट ऑफ लोड। ऑल्दो माई डिज़ाइन लोड वॉज 300 kg ओनली, मुझे क्या करना होगा उसको 450 kg के लिए एज्यूम करना होगा, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट इज़ द फिलॉसॉफी बिहाइंड इंक्रीजिंग द लोड, इज हमको लोड का पता ही नहीं है कितना लगने वाला है। यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आपको कहाँ पता है कि बच्चा कितने वेट का है। सिमिलरली हमको कहाँ पता है कि हमारा डेड लोड क्या है बिल्डिंग का, लाइव लोड क्या है, कौन सा अर्थक्वेक लोड आएगा, कौन सा विंड लोड आएगा, क्या लोड लगने वाला है, दैट वी एज्यूम और एस्टिमेट। एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट, थोड़ा आगे पीछे रहेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सेव आर सेल्फ एज अ डिज़ाइनर, हमको सेफ रहना पड़ेगा, नहीं नहीं कल जाके बेंच टूट गया तो तीन बच्चे गिर जाएंगे, इंजरी होगी उनको, माई स्ट्रक्चर विल फेल, तो बहुत सारे लोगों को इंजरी होगी, डेथ होंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस इंक्रीज द एक्चुअल लोड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लोड फैक्टर, एंड दैट इंक्रीज द लोड इज कॉल्ड अल्टीमेट लोड, ठीक है, ठीक है, वो हो गया। सेकेंड थिंग इज मटेरियल मुझे लेना है। बेंच मैंने डिज़ाइन कर ली 300 kg की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं लूँगा 1.5 एंड आई विल डिज़ाइन द बेंच फॉर 450 kg लोड। सेकेंड, आई वॉन्ट टू यूज़ द मटेरियल फॉर द बेंच विच इज सूटेबल फॉर द बेंचेस। विच मटेरियल शुड आई यूज़, काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। वुडन मटेरियल और चलेगा, आई कैन यूज़ वुडन मटेरियल, आई कैन यूज़ स्टील बेंचेस, फाइबर के भी बेंचेस आते हैं, बहुत सारी मटेरियल से बेंच बना सकते हैं। अब वो जो मटेरियल बना रहा हूँ, लेट अस एज्यूम अ वुडन बेंच, वुडन बेंच जो है उसका वुडन मटेरियल आई एम यूजिंग। सो मटेरियल जहाँ से मैं ला रहा हूँ वो बंदा ऐसा कहता है कि आपका वुड जो है वो 50 Nm/mm², वुडन बेंच। लेट अस एज्यूम बंदा मुझे ऐसा कह रहा है कि आप जो वुड यूज ले जा रहे हो मुझसे, आप जो मुझसे वुड ले जा रहे हो, स्टील जो ले जा रहे हो, उसकी कैपेसिटी है 100 Nm/mm². वो जहाँ से मैं ला रहा हूँ वो मुझे ऐसा कह रहा है कि आप मेरे जो मटेरियल है उसकी कैपेसिटी जो है वो 100 Nm/mm² है, उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। सो शुड आई कंसीडर, मैंने जितनी स्ट्रेंथ वो मुझे जो कह रहा है, शुड आई कंसीडर दैट कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, शुड आई कीप सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दैट ऑल्सो। सो आई हैव टू कीप सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दैट ऑल्सो, कि भाई उसने मेरे को ऐसा कहा है कि 100 Nm/mm² उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो आई हैव नॉट टेस्टेड द मटेरियल, ठीक है, आई हैव टेस्टिंग भी मेरा कैसा हो रहा है कि भाई आउट ऑफ 100 सैंपल्स, 200, 300, 400, 500 सैंपल है, उसमें से मैं एक या दो को सैंपलिंग कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ रैंडम सैंपलिंग। इट मे बी पॉसिबल कोई एक सैंपल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम भी हो,
सो इन दैट केस वो सैम्पल जो है वो मैंने मटेरियल यूज़ कर लिया तो बेंच फिर से टूट जाएगी। सो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज़ मुझे मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है, मुझे मेरे मटेरियल की कैपेसिटी जो है वो उसको भी थोड़ा रिड्यूस करना होगा। व्हाट आई विल डू, लेट अस एज्यूम ये 100 नहीं है भाई, 100 की जगह मैं 80 एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग 80 एंड दैट इज़ माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25। वो मैं किसको अप्लाई करूँगा, ये मैं अप्लाई करूँगा मटेरियल को, 1.5 मैंने अप्लाई किया था लोड को। सो एट द सेम टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम यूजिंग मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर, कहाँ कहाँ पे, एक मैंने लोड को भी इंक्रीज कर दिया और मटेरियल की कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर दिया। नाउ यू एज्यूम माय इक्वेशन वाज एरिया इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। एक्चुअली तो कितना लोड लग रहा था, मेरा लोड लग रहा था 300 kg और स्ट्रेस मेरा था 100 kg, दिस इज एक्चुअल। तो मुझे क्या चाहिए होगा कि भाई 100 kg, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, केजी पर कुछ भी, यूनिट कन्वर्जन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा कि 100 kg, 300 kg डिवाइडेड बाई 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में नहीं जा रहा हूँ, ये एक्चुअल एरिया चाहिए था मुझे। बट फॉर सेफ्टी व्हाट आई विल डू इज, देखिए 300 की जगह मैंने क्या कर दिया, 450 ले लिया, कैपेसिटी को क्या कर दिया, 100 की जगह 80 कर दिया। सो एरिया रिक्वायर्ड विल बी हायर देन द एक्चुअल एरिया, जो एक्चुअल एरिया हमको जो चाहिए था उससे एरिया मेरा इंक्रीज हो गया। दिस इज द थिंग विच इज़ डन इन द लिमिट स्टेट मैथड, ठीक है। अब समझ में आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एम आई क्लियर नाउ, काइंडली राइट। चलो, सो पहली बात हो गई लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी, माय स्ट्रक्चर शुड बी सेफ इन एट अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड जब भी लोड बात कर रहा हूँ, इट शुड बी फोर थिंग्स विच शुड कम इन टू योर माइंड, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन मोमेंट। दूसरी चीज़ हो गई लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल भी होना चाहिए। फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट सेफ्टी, मेरे स्ट्रक्चर में बेंडिंग मोमेंट लिमिट के अंदर है, शेयर फोर्स लिमिट के अंदर है, कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स है वो भी लिमिट के अंदर है, फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, माई स्ट्रक्चर शुड सेफ इन सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया ऑल्सो। ऐसा नहीं होगा कि कॉलम में जितना आपने डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, दैट मीन स्ट्रक्चर इज सेफ। नो, माई स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल ऑल्सो। इन सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हम सर्विसेबिलिटी में कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन, सेकेंड इज क्रैकिंग, क्रैक्स, थर्ड इज वाइब्रेशन, फोर्थ इज फायर प्रूफिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टील स्ट्रक्चर्स एंड मैनी मोर। इन अंदर द सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। जनरली चार चीज़ें हम बात करते रहते हैं, दोज आर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड फायर प्रूफिंग। माई स्ट्रक्चर इज सेफ अंडर द बेंडिंग मोमेंट, स्लैब की बात कर रहा हूँ, मेरा स्लैब जो है वो बेंडिंग मोमेंट में सेफ है। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर एश्योर कर रहा हूँ मैं कि स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रही है स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रही है वो परमिसिबल लिमिट से कम है। दैट मीन्स इट इज़ सेफ इन द लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स क्राइटेरिया और लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी क्राइटेरिया, उसमें वो सेफ है। लेकिन समहाउ दैट स्लैब इज डिफ्लेक्टिंग बाय एन अमाउंट ऑफ वन फीट, ठीक है। सो होगा क्या, मेरा स्ट्रक्चर लिमिट सेट ऑफ कॉलेप्स क्राइटेरिया में सेफ है लेकिन सर्विसेबिलिटी, एक फीट स्लैब का डिफ्लेक्शन होगा तो कोई भी बंदा उसके नीचे नहीं बैठेगा, कोई भी बंदा उसके नीचे नहीं रहेगा। ऑल दो इट इज़ सेफ स्ट्रक्चरली बट सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया वो फेल हो रहा है, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर जो है वो मेरा अनसेफ है, आई हैव टू रीडिज़ाइन दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ इन बोथ द क्राइटेरियाज ऑफ लिमिट स्टेट, फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, सेकेंड इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। इज इट क्लियर? सर्विसेबिलिटी में हम जनरली वर्किंग लोड एज्यूम करेंगे क्योंकि जनरली सर्विसेबिलिटी में जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक्चुअल लोड के अंडर होगा, उसमें बिकॉज ये अल्टीमेट लोड होगा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इंक्रीज किया गया जो लोड है,
दैट लोड इज वो कभी 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 एक बार लगेगा, और उसमें सर्विसेबिलिटी में वंस इन अ व्हाइल कभी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया तो इट विल बी ओके, ठीक है. अदरवाइज माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ इन सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द वर्किंग लोड. उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला लोड कंसिडर करेंगे नहीं. सो टू थिंग्स आर देयर, वन इज लिमिट सेट ऑफ सेफ्टी एंड सेकेंड इज लिमिट सेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. चलो नेक्स्ट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. हमने अभी बात की, देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स. वन इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, पेज नंबर 68 पे दिया होगा IS 456 में. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, देर इज अ टेबल पेज नंबर 68 पे, एक बड़ा सा टेबल है बॉटम पे एंड पे, एंड देर इज अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसको कहते हैं हम गैमा एल, एंड दिस इज अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल. विच इज जनरली डिनोटेड बाय गैमा एम, विच इज जनरली डिनोटेड बाय गैमा एम. चलो सो नाउ नाउ आई एम आस्किंग यू कि वाई वी हैव टू कीप अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड. लोड को क्यों बढ़ाना पड़ेगा हमको, जो कोई भी लोड हमारे स्ट्रक्चर पर आ रहा है, वाई वी हैव टू इंक्रीज दैट लोड इन द डिज़ाइन. डिज़ाइन में वो लोड इंक्रीज करके हमको क्यों कंसिडर करना चाहिए, काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. ये जनरली पूछते हैं बहुत सारी जगह पर, वाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर अप्लाइड टू द लोड्स. लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब बढ़ाना क्यों चाहिए, जो हमने एस्टिमेट किया है, वाई सेम लोड इज नॉट कंसिडर्ड इन डिज़ाइन. काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, क्यों हमको लोड को इंक्रीज करना चाहिए, जो हमने लिया है एस्टिमेट किया है वो नहीं चलेगा. Because load can vary in different situation or natural disasters, maybe in future in particular circumstances structure bear more than actual load. जो load आ रहा है उससे ज़्यादा आए तो हमारा structure load आएगा क्यों ज़्यादा, when you are estimating, because we don't know the exact load, but सही है. Load may vary in natural disasters, future possibilities, exactly सही है यश. Dead load is fixed, live load changed by the time of period. Dead load is also not fixed when you are designing. हम design ही कर रहे हैं जब, तो हमको dead load भी नहीं पता होगा. Design करने के बाद dead load आपका fix होगा. To increase the safety, load will vary in different situation and live load also vary for long durability. Different situation affect structure differently. सही, all the answers which are given by the students are almost okay. There is no issue. सब ने सही answer दिए हैं, उसमें से दो चार मैं list down करके लिख रहा हूँ. Very first thing is, our load is almost always estimated and that is why those are uncertain. Any load which you are considering, whether it is a dead load, live load, wind load, earthquake load, snow load, crane load, बहुत सारे loads हमारे structure पर लगते हैं. You consider any load, all the loads are basically estimated by the design engineers. डेड लोड भी हम एस्टिमेट ही करते हैं, बिकॉज हम क्या करेंगे, कोई आर्किटेक्ट ने हमको प्लान दिया है कि भाई एक 10 फीट बाय 8 फीट का एक छोटा सा रूम मुझे बनाना है, 10 फीट बाय 8 फीट का एक छोटा सा रूम मुझे बनाना है. व्हाट आई विल डू, चलो चार कॉर्नर पे मैंने कॉलम रख दिए एंड यहाँ पे सब बीम्स रख दिए, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा स्लैब होगा. वॉट इज द वेट ऑफ स्लैब, स्लैब का वेट कितना होगा, वो अभी तो डिज़ाइन ही नहीं किया है मैंने. आप समझो कि स्लैब जो है वो 100 mm थिकनेस का होगा, 125 mm थिक, देर आर सर्टेन थम रूल्स हैं हमारे पास, लेकिन एग्जैक्ट डिज़ाइन हमने की ही नहीं है अभी तो.
सो विदाउट डूइंग द डिज़ाइन हाउ विल यू एस्टिमेट डेड लोड ऑल्सो. सो डेड लोड नहीं पता है, लाइव लोड कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ अ ड्रॉइंग रूम, वेदर इज़ अ बेडरूम, किचन है, स्टेयरकेस है, डब्ल्यू सी है, बाथरूम है, पब्लिक बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, क्या है ये, वेदर दिस इज़ अ मतलब ब्रिज है तो ब्रिज पे तो व्हीकुलर लोडिंग लगेंगे. सो आई डोंट नो द पर्पज ऑफ द स्ट्रक्चर, लेकिन लाइव लोड सबके लिए वेरी करेगा समझो. विंड लोड, इंडिया इज सब डिवाइडेड इंटू 6 विंड जोन, हमने इंडिया को टोटल 6 विंड जोन में डिपेंडिंग ऑन पास्ट डेटा, पिछले 50, 100, 150 साल के डेटा से हमने क्या किया है, पूरे इंडिया को 6 अलग अलग विंड जोन में डिवाइड कर दिया है. एंड वी एज्यूम दैट के इस जोन में इतना विंड लगेगा, बट दैट इज़ ऑल्सो एन एस्टिमेट. अर्थक्वेक लोड, वी आर डिवाइडेड इंडिया इंटू 4 सेस्मिक जोन, जोन 2, 3, 4 एंड 5, जोन 1 एंड 2 आर मर्ज. इफ आई टॉक अबाउट अहमदाबाद, अहमदाबाद इज इन जोन 3, भुज की बात करें तो इट इज़ इन जोन 5, विच इज़ जहाँ पे सेस्मिक लोड लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है. लेकिन कहाँ से लाए ये डेटा हम, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन पास्ट डेटा, प्रीवियस डेटा जो है, जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं उसको जोन 5 में रखेंगे, जहाँ बहुत कम अभी तक अर्थक्वेक आए हैं उसको जोन 2 में रखेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड. सो लोड्स आर एस्टिमेटेड, दोज आर अनसर्टेन, हमको पता ही नहीं है लोड कितना है. तो द थिंग विच वी आर एस्टिमेटिंग, तो हमको क्या करना होगा कि थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें रखेंगे. सेकेंड इज कैलकुलेशन इन और एररियस कैलकुलेशन, एररियस लोड कैलकुलेशन. लोड कैलकुलेट जो कर रहे हैं हम, उसमें ही एरर हो गया, एरर्स इन लोड कैलकुलेशन, ठीक है ना, ठीक है, एरर्स इन लोड कैलकुलेशन, ठीक है. जितने भी बंदे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जीटीयू के, आप समझिए कि सिलेबस इज सेट इन सच अ वे दैट अ स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनी मेथड ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस, इलेक्टिव में है. नाउ एनी ऑफ द स्टूडेंट हु हैव नॉट लर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो अब आगे जाके एनालिसिस करेगा बिल्डिंग का, उसका लाइकिंग का सब्जेक्ट है डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर्स और उसको डिजाइन फील्ड में जाना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मतलब पासिंग के लिए या कुछ भी, बहुत एट द बी लेवल हमको क्या कर रहे हैं कि बहुत हमको पढ़ना ना पड़े, इसके लिए हम क्या कि कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट ले लिया, ईजी है वो. सो एट दैट टाइम वॉट इज़ हैपनिंग के इफ़ ही इज़ एनालाइजिंग ए स्ट्रक्चर जो पढ़ा ही नहीं है कभी, हाँ इट मे बी पॉसिबल कि वो खुद कभी लर्न कर लिया होगा, लेकिन इफ ही इज़ एनालाइजिंग ए स्ट्रक्चर तो होगा क्या कि ही देर विल बी डेफिनेटली सम एरर्स इन हीज एनालिसिस, और एनालिसिस में ही एरर होगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको पहले से ही थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज देर मे बी सम एरर्स इन द एनालिसिस, कुछ डिज़ाइन जो है उसमें फॉल्ट रह गया होगा. सो इन द ड्यू टू एररियस एनालिसिस एंड फॉल्टी डिज़ाइन कैलकुलेशन वी हैव टू कीप सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है. सो थर्ड इज फ्यूचर एक्सपांशन इन इंडियन कंडीशन, बहुत ही वैलिड पॉइंट है फ्यूचर एक्सपांशन. जी प्लस वन स्टोरी का बिल्डिंग ले लिया या एक टेनामेंट हमने बना दिया जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, डिज़ाइनर को कुछ कहा नहीं था, ऐसा कहा था भाई हमको 3 बेडरूम हॉल किचन का एक छोटा सा टेनामेंट ग्राउंड फ्लोर वाला बना दो. ही हैज़ डिज़ाइन दैट स्ट्रक्चर कंसिडरिंग दैट के एक फ्लोर है, वॉट ही विल डू. बहुत तो चलो फ्यूचर एक्सपेंशन एक और फ्लोर का है, उसका एज्यूम करके पहले से उसने लोड कैलकुलेट कर लिए होंगे, बट वॉट वी विल डू, 5 साल के बाद एक के ऊपर दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, 2-3 साल के बाद तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया. सो इन दैट केस इन द प्राइमरी डिज़ाइन जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग तो एक फ्लोर का ही था, हमने क्या कर दिया है 3 फ्लोर और उसके ऊपर चढ़ा दिया है. सेकेंड, इट मे बी पॉसिबल कि थर्ड फ्लोर को आप गोडाउन बना दो जिसके ऊपर लाइव लोड, मैंने एज्यूम किया था कि दिस इज़ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें लाइव लोड होगा कोई रूम का या ड्राॅइंग रूम का किचन का, हमने क्या कर दिया उसको गोडाउन बना दिया है, उसका पर्पस ही चेंज हो गया स्ट्रक्चर का. अब पर्पस चेंज हो गया तो लाइव लोड चेंज हो गया, उसके लिए तो मैंने डिज़ाइन ही नहीं किया था. सो इन दैट केस ऑल्सो आई हैव टू इंक्रीज माई लोड. सो देर आर सो मैनी थिंग्स ड्यू टू विच माई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ड्यू टू लोड्स आर टू बी कंसिडर्ड, जिससे मेरे लोड को इंक्रीज करना पड़े. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए, फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है. सेकेंड इज मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल. मटेरियल के लिए हम क्यों पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज देर आर टू मटेरियल्स, वन इज स्टील एंड सेकेंड इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट इज अ हेट्रोजीनियस मटेरियल, कॉन्क्रीट इज अ हेट्रोजीनियस मटेरियल. होगा क्या, आज 5 स्टूडेंट्स आ गए, 5 स्टूडेंट्स को मैंने लेबोरेटरी में से
सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोस एग्रीगेट, वाटर, सबको सेम दिए, सबको सेम मटेरियल दिया कंक्रीट बनाने के लिए, और 500 स्टूडेंट्स अलग 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 जगह पे अपना कंक्रीट का क्यूब बना रहे हैं। आफ्टर आफ्टर मिक्सिंग मिक्सिंग कर दिया उन्होंने क्यूब के अंदर, कंक्रीट को पोर कर दिया, क्यूब भर दिया, क्यूब को 24 आवर्स के बाद, 24 घंटों के बाद क्यूब के साइड्स को रिलीज कर दिया, पानी में रख के उसको 28 दिन तक क्योर कर दिया। नाउ आई एम टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 5 क्यूब्स विच वर मेड बाई द स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट ने बनाए थे अलग अलग जगह पे। 500 के 500 क्यूब को अगर मैं टेस्ट करूँगा, जनरली मुझे 500 के 500 क्यूब की स्ट्रेंथ अलग 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 मिलेंगी, बिकॉज कॉन्क्रीट में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक मिक्सिंग हो गया, प्लेसिंग हो गया, क्योरिंग हो गया, वो सब चीज़ें जो होंगी वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। सो कॉन्क्रीट का बिहेवियर जो होगा वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अभी तो मैंने क्या कहा है कि सबको एक जैसा मटेरियल दिया है, वेन आई टॉक अबाउट एक्चुअल साइट कंडीशन, वहाँ तो रोज़ आज जो कोर्स एग्रीगेट या आज जो फाइन एग्रीगेट आए थे, कल कोई दूसरा भी आएगा। सो इन दैट केस होगा क्या कि मटेरियल जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, एंड कॉन्क्रीट का बिहेवियर जो है वो हमको कभी भी एक जैसा नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू कीप, हम अगर कह रहे हैं कि मेरा मटेरियल M20 ग्रेड का है, दैट मीन्स उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, तो आई विल नॉट अकाउंट ऑल दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन टू द डिज़ाइन। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कोई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाऊंगा मटेरियल का, एंड वॉट आई विल डू, मैं इस कैपेसिटी को रिड्यूस कर दूंगा। कितना? फॉर कॉन्क्रीट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज टेकन एज 1.5, पेज नंबर 68 पर फर्स्ट लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज 1.5 एंड फॉर स्टील इट इज 1.15, ठीक है, स्टील के लिए है 1.15 एंड कॉन्क्रीट के लिए है 5। दैट मीन्स होगा क्या कि डिज़ाइन और परमिसिबल स्ट्रेसेस कॉन्क्रीट के कितने लेंगे हम, दैट विल बी FCK/1.5। जो कोई भी M30 ग्रेड का अगर हम बना रहे हैं तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने होंगे, तो 30/1.5, दैट इज 20। और स्टील में क्या होगा, तो इट विल बी FY/1.15, दैट इज 0.87 FY। वाई लोअर अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वाई लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर्ड फॉर स्टील एंड वाई हायर फॉर कॉन्क्रीट, बिकॉज कॉन्क्रीट इज मोर अनसर्टेन मटेरियल एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील इज अ फैक्ट्री मेड मटेरियल, सो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ही कम है। देन ऑल्सो कहीं पे मटेरियल में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ वेरिएशन आए, तो उस वेरिएशन की वजह से हमारी स्ट्रेंथ में थोड़े छोटे मोटे वेरिएशन आएंगे। दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट अ वेरी लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, दैट इज 1.15 ओनली, एंड फॉर कॉन्क्रीट इट इज़ पॉसिबल दैट लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन साइट, दैट इज़ वाई 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। सो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल में क्यों रखेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी और वेरिएशंस इन द मटेरियल, कंक्रीट में लेबर पे डिपेंड होता है, लेबर जो होंगे वो अलग 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 होंगे, तो उनकी प्रोसीजर काम करने की मेथड जो होगी वो भी अलग होंगी। दैट इज़ वाई वी जनरली यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन मटेरियल्स। सो स्टूडेंट्स, अप टू दिस पॉइंट द थिंग्स आर क्लियर, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, और डू आई नीड टू एलोबरेट मोर ऑन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के रिलेटेड अब ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स सही में लेक्चर को समझ रहे हैं, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन आस्किंग द थिंग्स। सो मतलब दैट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट के यहाँ से जो समझाया जा रहा है वो आप तक पहुँच रहा है, दैट इज़ वाई आई एम कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। चलो, सो नेक्स्ट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, पेज नंबर 68 पर टेबल दिया गया है, पेज नंबर 68 पे एक टेबल दिया गया है।
टेबल नंबर 18 पेज नंबर 68, ठीक है, टेबल नंबर 18, दोज हु डोंट हैव कोड अवेलेबल विद देम, पेज नंबर 18 पे ये कोड टेबल दिया गया है। नाउ वैल्यूज फॉर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गैमा एफ फॉर द लोडिंग्स, वैल्यूज फॉर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गैमा एफ फॉर लोड्स, ठीक है। लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना कंसीडर करेंगे, व्हेन डेड लोड इज इट विजिबल, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्हेन आई एम कंसीडरिंग डेड लोड एंड लाइव लोड टुगेदर, व्हेन आई एम कंसीडरिंग डेड लोड एंड लाइव लोड टुगेदर, आई एल मीन्स इम्पोज लोड, आई एल मीन्स इम्पोज लोड्स, इम्पोज लोड्स आर नथिंग बट लाइव लोड, इम्पोज लोड मीन्स लाइव लोड। सो व्हेन आई एम कंसीडरिंग डेड लोड एंड लाइव लोड्स टुगेदर, ठीक है, माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, व्हेन आई कंसीडर डेड लोड एंड लाइव लोड टुगेदर माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। सो जब भी हमारे डेड लोड और लाइव लोड साथ में आएंगे, हमारा लोड कॉम्बिनेशन होगा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, 1.5 तो अगर कॉमन ले ले तो इट विल बी 1.5 डेड लोड एंड लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, ठीक है। दूसरा हो गया डेड लोड के साथ विंड लोड, डेड लोड के साथ विंड लोड, उसमें कोड क्या कह रहा है, डेड लोड के लिए कोड दे रहा है 1.5 और 0.9, डेड लोड के लिए कोड दे रहा है 1.5 और 0.9, एंड फॉर विंड लोड कोड हमको दे रहा है 1.5, कोड हमको दे रहा है 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो दूसरा और तीसरा दो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सेकंड इज, आप समझिए डेड लोड का फैक्टर हमको दो बार अलग अलग लेना है, फॉर फर्स्ट टाइम इट इज 1.5, फॉर सेकेंड टाइम इट इज 0.9। सो पहली बार क्या होगा, डेड लोड इंटू 1.5 एंड विंड लोड इंटू 1.5, सो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, और दूसरा केस हो जाएगा 0.9 डेड लोड, थर्ड केस हो जाएगा 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड, ठीक है, 0.9 डेड लोड एंड 1.5 विंड लोड, और चौथा हो जाएगा व्हेन डेड लोड लाइव लोड इम्पोज लोड एंड विंड लोड ऑल आर एक्टिंग टुगेदर ऑन अ स्ट्रक्चर, सो माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.2, सो चौथा हो जाएगा 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड, दैट इज 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। सो चार लोड केसेस हो गए मेरे, चार लोड कॉम्बिनेशन हो गए, वन इज 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड व्हेन डेड लोड एंड लाइव लोड आर एक्टिंग टुगेदर, जनरली जब आपको अर्थक्वेक या विंड नहीं दिया गया है, सो इन दैट केस सिर्फ डेड और लाइव लग रहे हैं, इन दैट केस वी विल मल्टीप्लाई अवर लोड बाय 1.5। अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट आ रही है 100, तो हम उसको क्या करेंगे, 100 इंटू 1.5 150 करेंगे, ठीक है। व्हेन डेड लोड लाइव लोड एंड विंड लोड ऑल आर एक्टिंग टुगेदर, तो हो जाएगा 1.2 डी एल प्लस एल एल प्लस डब्ल्यू एल, ठीक है, डेड और विंड सिर्फ लग रहे हैं, इन दैट केस 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, सॉरी 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड और 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड, ठीक है। सो ये चार लोड केस कॉम्बिनेशन हो गए। जनरली विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटीस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। नाउ इन द जनरली इन द एंटायर वर्ल्ड कहीं पर भी विंड लोड, दैट इज मतलब कोई साइक्लोन एंड अर्थक्वेक बड़ा सा, अभी तक साथ में कहीं पे लगा हुआ ऐसा कहीं ऑब्जर्व किया गया नहीं है, एंड दैट इज वाई इन द डिज़ाइन वी नेवर एज्यूम विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड एक्टिंग टुगेदर ऑन अ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे नीचे नोट में कोड ने दिया है, व्हाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट अर्थक्वेक लोड फॉर विंड लोड, हम क्या करेंगे, ये चार कॉम्बिनेशन हो गए उसमें से तीन जो है वो विंड लोड वाले हैं, 1.5 डी एल प्लस डब्ल्यू एल, 0.9 डी एल प्लस 1.5 डब्ल्यू एल, 1.2 डी एल प्लस लाइव लोड प्लस डब्ल्यू एल। सिमिलरली क्या होगा, जहाँ पे विंड लोड है वहाँ पे हम उसको अर्थक्वेक से रिप्लेस करके और तीन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे कि एक होगा 1.5 डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ठीक है, वी नेवर एज्यूम विंड एंड अर्थक्वेक टू बी एक्टिंग टुगेदर ऑन अ स्ट्रक्चर, ठीक है।
स्टेबिलिटी लोड इज लेस देन कॉलेप्स लोड कैन बी निगलेक्ट, वी आर नॉट टेकिंग व्हाट इज स्टेबिलिटी लोड एंड व्हाट इज कॉलेप्स लोड, वो सब चीज़ें अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज प्योर सिंपल अप्रोच वेयर वी हैव टू इंक्रीज द लोडिंग. जय, व्हाट इज स्टेबिलिटी लोड एंड व्हाट इज कॉलेप्स लोड, ऐसा कुछ चीज़ें हम जनरली स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते हैं. कॉलेप्स लोड इज ऑल टूगेदर के जहाँ पे लोड, जिस लोड पे कॉलेप्स हो रहा है. देर इज नथिंग लाइक स्टेबिलिटी लोड, ऐसा कोई लोड हमारे पे, हमारे वर्किंग लोड इज देयर एंड कॉलेप्स लोड इज देयर. चलो, सो अप टू दिस पॉइंट इट शुड बी क्लियर कि लिमिट सेट ऑफ कॉलेप्स में हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे कुछ होंगे. सिमिलरली व्हेन आई कंसिडर लिमिट सेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, तो उसमें फैक्टर्स हमारे हैं फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड इट इज वन. व्हेन डेड लोड एंड लाइव लोड आर एक्टिंग टुगेदर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर वन. सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में हमने पहले भी बात की थी, वी विल कंसिडर वर्किंग लोड्स ओनली. सो उसमें हमको कोई लोड को इंक्रीज नहीं करना है. वी हैव टू कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर वर्किंग लोड ओनली. ठीक है, सेकेंड सेकेंड इज डेड लोड एंड विंड लोड. सेकेंड इज डेड लोड एंड विंड लोड. व्हेन डेड लोड एंड विंड लोड आर एक्टिंग द फैक्टर्स आर 1.0 एंड 1.0. ठीक है, थर्ड इज डेड लोड लाइव लोड एंड विंड लोड. व्हेन डेड लाइव विंड ऑल आर एक्टिंग टुगेदर माई फैक्टर ऑफ सेफ्टीज आर 1.0 फॉर डेड लोड, 0.8 फॉर लाइव लोड एंड 0.8 फॉर विंड लोड. फॉर सर्विसेबिलिटी क्राइटेरियाज डेड लाइव और विंड जब एक साथ लग रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है स्ट्रक्चर को सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत उसकी बहुत कम प्रॉबेबिलिटीज है. सो उसमें हम वन से भी एक्चुअल जो लोड लग रहा होगा उससे भी कम हम एज्यूम करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी आर मूविंग बैक टू अवर स्लाइड. आई एम राइटिंग दिस थिंग्स, ये हमको समझना है कि क्यों पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स. सो देर वर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. वन वॉज अंडर द कंडीशन सेफ्टी, दैट इज लिमिट सेट ऑफ सेफ्टी. एंड सेकेंड वॉज सर्विसेबिलिटी. फर्स्ट इज 1.5 डेड लोड एंड लाइव लोड. सेकेंड इज 1.2 डेड लोड लाइव लोड विंड लोड. थर्ड इज 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड. फोर्थ इज 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड. सो देर आर फोर केसेज ओवर हियर. हियर इट इज़, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है. हियर इट इज डेड लोड प्लस लाइव लोड. सेकेंड डेड लोड प्लस विंड लोड. थर्ड डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 विंड लोड. एंड वेन एवर विंड लोड इज एक्टिंग, उसको अगर अर्थक्वेक लोड से अर्थक्वेक लोड लग रहा है तो वी विल रिप्लेस द विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड. विंड लोड को अर्थक्वेक लोड से रिप्लेस कर देंगे हम. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये चार लोड केस कॉम्बिनेशन क्या क्या हमको सजेस्ट करते हैं कि माय बिल्डिंग और माय स्ट्रक्चर कैन हैव फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, माय स्ट्रक्चर कैन हैव फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट. पहला स्टेट है, राइट नाउ वी कंसिडर आर सेल्फ, हम जो बिल्डिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं. सपोज वेर यू आर सिटिंग और वेन यू आर लिविंग, द बिल्डिंग विल हैव इट्स डेड लोड. बिल्डिंग का खुद का डेड लोड है. बिल्डिंग पे लाइव लोड, लाइव लोड दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ मूविंग लोड्स लाइक फर्नीचर का लोड ले लो आप, ह्यूमन बीइंग का लोड ले लो, वो सब जो है दैट विल बी कंसिडर्ड इन लाइव लोड. डेड लोड द लोड विच आर परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेड लोड. सो अ स्ट्रक्चर हैज़ टू बेयर द लाइव लोड एंड डेड लोड थ्रू आउट इट्स लाइफ. अ स्ट्रक्चर हैज़ टू बेयर लाइव लोड एंड डेड लोड थ्रू आउट इट्स लाइफ, ये रूटीन है उसके लिए. रूटीन जो प्रोसीजर, रूटीन जो है उसमें सेफ्टी हमको ज़्यादा चाहिए. सो इन दैट केस अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5 इज कंसिडर्ड. That is why the factor of safety is 1.5 dead load plus live load. Higher amount of factor of safety is considered. Second, हम जो building में अभी रह रहे हैं उसका dead load है, live load भी अभी लग रहा है. And suddenly a cyclone kind of thing is there at your location. Cyclone जैसा कुछ आ रहा है, it hits your building. So in that case dead load, live load, wind load सभी हो गए. ठीक है, so in that case
साइक्लोन या विंड लोड से जो डिज़ाइन हो रही है उसके एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस थोड़े कम हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन। सो हम क्या करेंगे कि जो रूटीन लोड आ रहा है उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखेंगे, कभी कभार जो आ रहा है वंस इन अ वाइल उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम रखेंगे, दैट इज़ 1.2 DL प्लस लाइव लोड प्लस मीन लोड। माई स्ट्रक्चर, एंटायर स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, उसमें सभी लाइव लोड लग रहे हैं एंड एट अ टाइम साथ में विंड लोड भी, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड भी लग रहा है। थर्ड इज माई स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, माई स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड बट इट इज़ नॉट रेडी टू यूज़, किस कोई अभी यूज़ नहीं कर रहा है। सपोज बिल्डिंग्स आर देयर विच आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, लेकिन उसका पोजेशन नहीं दिया है, ठीक है। सो देर विल बी नो लाइव लोड ऑन द बिल्डिंग, उसमें लाइव लोड बिल्डिंग पे होगा नहीं। सो इन दैट केस ओनली डेड एंड विंड आर एक्टिंग टुगेदर, सो दैट इज द केस थर्ड, डेड लोड एंड लाइव लोड। फोर्थ केस क्या हो गया, डेड लोड लाइव लोड, डेड लोड जो है माई स्ट्रक्चर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, माई स्ट्रक्चर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरा जो कोई भी बिल्डिंग का लोड है वो प्रॉप्स कैरी कर रहे हैं, मतलब जो सपोर्ट्स हम टेम्पररी सपोर्ट देते हैं स्टील या वुडन सपोर्ट्स बैम्बू के, वो कैरी कर रहे हैं। इन दैट केस 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और 1.5 अर्थक्वेक लोड। सो दिस फोर कंडीशंस आर शोइंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ अवर स्ट्रक्चर, कौन से स्टेज में है, पूरा बिल्डिंग बन चुका है, पूरा ऑक्यूपेंसी में है और एट दैट टाइम 1.5 DL एंड LL इज देयर, पूरा ऑक्यूपेंसी में है, साथ में विंड या अर्थक्वेक लग रहा है, DL LL प्लस WL, माई बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बट इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड और उस पर लाइव लोड नहीं लग रहा है, इन दैट केस 1.5 DL प्लस WL एंड पार्शियल कंस्ट्रक्शन इज देयर, लोड्स आर बीइंग टेकन बाय प्रॉप्स, इन दैट केस 0.9 DL प्लस 1.5 WL। इन सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया जनरली वी यूज वर्किंग लोड्स, दैट इज वाई नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज, कम किया गया है एक्चुअल से भी। सो दिस थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड अप टू दिस पॉइंट, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। सो विल कीप अप टू दिस पॉइंट इन दिस लेक्चर, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लिमिट सेट ऑफ फ्लेक्चर और बीम्स के डिजाइन के लिए जाएंगे। सो इज इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, आर देयर एनी डाउट्स टू यू, काइंडली राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। मीन वाइल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑल द टाइम्स वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू इन्फॉर्म टू सम स्टूडेंट्स टू कन्वे द मैसेज, इफ द चैनल इज सब्सक्राइब्ड आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, इफ एनी डाउट्स आर देयर वी हैव 5-10 मिनट्स सो वी कैन डिस्कस दोज थिंग्स, अदरवाइज विल रैप अप द लेक्चर। थोड़ा सा थियोरिटिकल बैकग्राउंड था पहले दो लेक्चर में, नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी कैलकुलेटिव, सो मेक श्योर दैट फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे ऑनवर्ड्स यू हैव, इफ पॉसिबल यू हैव हार्ड कॉपीज ऑफ IS 456 एंड यू ऑल्सो हैव, यूनिवर्सली वी यूज बोथ द मेथड्स, लिमिट सेट मेथड एंड वर्किंग सेस मेथड। आप समझिए कौन से टाइप का स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हो, इफ़ यू आर डिजाइनिंग रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, अभी आप कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो दैट इज जनरली डिजाइंड यूजिंग लिमिट सेट मेथड, इट इज़ सेफ एंड इकोनॉमिकल बोथ। व्हेन आई एम कंसिडरिंग वाटर टैंक हम जनरली वर्किंग स्ट्रेस से यूज करेंगे, देर आर न्यू कोड्स फॉर वाटर टैंक यूजिंग लिमिट सेट मेथड ऑल्सो, बट जनरली डिजाइनर स्टिल यूज वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स, ब्रिजेस, चिमनीस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि वहाँ पे हमारी इकोनॉमी पहले नहीं होती है, वहाँ पे सेफ्टी पहले होगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रैक विल ऑल्सो लीड टू अ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर वेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड। और जब हम रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने घर के आसपास में देखिए, थोड़ी छोटी मोटी क्रैक्स होंगी, लिमिट सेट मेथड में क्रैक्स जरा भी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। क्रैक्स डिफ्लेक्शंस आर अलाउड इन द लिमिट सेट मेथड, बट इट शुड बी अंडर परमिसिबल लिमिट्स। लिमिट सेट मेथड क्या कर रहा है, क्रैक्स को डिफ्लेक्शन को अलाउ कर रहा है, बट दोज क्रैक्स, दोज डिफ्लेक्शन, दैट वाइब्रेशन शुड रिमेन अंडर द परमिसिबल लिमिट। वही तो हमारा था, आप समझिए कि लिमिट सेट का डेफिनेशन क्या था। लेट अस कंसीडर डिफ्लेक्शन या क्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, हम एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर क्रैकिंग बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट सेट। मेरे स्ट्रक्चर में क्रैक हो रही है, दैट डजंट मीन दैट द स्ट्रक्चर इज फेल्ड, मैंने उतनी क्रैक अलाउ की है, इतनी क्रैक मेरे स्ट्रक्चर में एक्सेप्टेबल है। दैट इज वाई वॉट वी डू इज कि वी अलाउ क्रैक्स और डिफ्लेक्शन, सम अमाउंट ऑफ क्रैक एंड डिफ्लेक्शन आर अलाउड इन द स्ट्रक्चर बाय वेन वी आर डिजाइनिंग यूजिंग लिमिट सेट मेथड। वर्किंग में ऐसा नहीं होगा, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड वी जनरली कंसिडर अनक्रैक्ड सेक्शन,
सो कौन से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो दैट ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल यूज द मेथड. सो यूनिवर्सली कोई मेथड ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स वी विल यूज वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स. Why wind load and earthquake load are not taken? मैंने पहले भी कहा सूजन, wind load and earthquake load generally are not acting together. ऐसा कोई past data हमारे पास है नहीं कि जहाँ wind और earthquake एक साथ कोई structure पे लगे हो. Wind load kind of cyclone and एक बड़ा सा earthquake एक साथ कोई जगह पे आया हो, ऐसा कोई incident हमको याद नहीं है incident. That is why we do not consider. कभी होगा तो code revise होगा. And that is सर, विंड इज कंसिडर ओनली ड्यूरिंग साइक्लोन टाइप ऑफ कंसिडर और फॉर नॉर्मल सिचुएशन. जनरली वॉट वी कंसिडर, आप समझिए, विंड इज कंसिडर फॉर नॉर्मल कंडीशन ओनली ऑल्सो. बट होता है क्या कि हमारे अहमदाबाद के, लेटेस्ट टॉक अबाउट अहमदाबाद, एट 10 मीटर हाइट, 10 मीटर इज जी प्लस 3 हाइट, एट 10 मीटर हाइट इन अहमदाबाद, 10 मीटर हाइट में जनरली अप टू 10 मीटर हाइट अहमदाबाद की बेसिक विंड स्पीड है. बेसिक विंड स्पीड, ये हाई राइज में इंक्रीज भी हो सकती है, हाई राइज स्ट्रक्चर्स में वी बी इज 39 मीटर पर सेकेंड, इज 39 मीटर पर सेकेंड, विच इज सजेस्टेड बाय द कोड. कोड क्या कह रहा है कि 39 मीटर पर सेकेंड अहमदाबाद के लिए बेसिक विंड स्पीड है. बिल्डिंग की हाइट इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है. लोकेशन आपका बिल्डिंग का रिमोट एरिया में है तो भी ये इंक्रीज होगा. बेसिक इज 39 मीटर पर सेकेंड, इट इज समथिंग लाइक के बेसिक से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है ही. नाउ इफ आई कंसिडर 39 मीटर पर सेकेंड, इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू, लेट अस एज्यूम से 39 को मैं थोड़ा इजीनेस के लिए 40 कर लेता हूँ. सो इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू द किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3.6, सो दिस विल बी 144 kmph. दिस इज इक्वल टू 144 kmph. मैंने आज दिन तक अहमदाबाद में 144 kmph स्पीड्स का कोई विंड देखा नहीं है. दिस इज नॉर्मल consideration for buildings which are located in Ahmedabad. 144 kmph wind in Ahmedabad, it sounds really really like a cyclone. So that is why I am using word cyclone. आप समझिए कि भुज के लिए या कोई coastal area पे जो structure है वहाँ पे ये हो जा रहा है 53, वो basic है ये, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे. It is something like car में basic model है ये, और ज़्यादा बढ़ेगा ये तो. So it will be multiplied by 3.6. श्रुति सर, इज विंड टू बी कंसिडर ड्यूरिंग साइक्लोन टाइप ऑफ कंसिडरेशन और फॉर, मैंने पहले भी कहा, इफ द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड फ्यूचर लाइव लोड्स आर गोइंग टू कम वी सेकेंड और से आदित्य, फ्यूचर लाइव लोड अगर हमको मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि वी इंक्रीज द फ्लोर्स विदाउट परमिशन. एक्चुअली क्या होता है कि बिल्डिंग की परमिशन हमको लेके, हमको पहले से ही पता होता है कि ये बिल्डिंग का प्लॉट एरिया है तो हमको इतनी ही FSI मिलने वाली है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स. और उतनी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के लिए हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा बिल्डिंग G+2 ही बढ़ेगा. इन दैट केस G+2 बढ़ने वाला है, उसके लिए डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देगा. अब हम तीसरा चौथा पाँचवा फ्लोर इंक्रीज कर रहे हैं जो एक्चुअली इलीगल है, तो उसका लाइव लोड मैं कंसिडर ही कैसे करूँगा एज अ डिज़ाइनर. आप समझिए, द रॉन्ग प्रैक्टिस विच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यू टू विच दिस थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड, ठीक है ना. अदरवाइज हमको मेरा फ्लैट जो है, आप समझो, इफ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट और फ्लैट जिसमें चार ही फ्लोर है, उसके ऊपर पांचवा छठा कभी बढ़ने ही नहीं वाला है, बिकॉज डेवलपर हैज ऑलरेडी यूज ऑल द FSI. अब उसके ऊपर कुछ आगे बढ़ने ही नहीं वाला है, तो आई डोंट हैव टू कंसिडर एनी काइंड ऑफ एडिशनल लोड, लाइव लोड ऑन द बिल्डिंग. इज इट क्लियर श्रुति, सुजल एंड आदित्य और समथिंग else इज देयर इन डिज़ाइन. आदित्य, वी हैव टू कंसिडर ऑल फोर थिंग्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों चार केस हम कंसिडर करेंगे, उसमें से जो वर्स्ट वाला आएगा दैट विल बी अवर डिज़ाइन लोड. आदित्य, ये चारों चार, ये चार लोड जो है वो चार हम कंसिडर करेंगे. इन चार में से जिसमें भी, लेट अस एज्यूम बेंडिंग मोमेंट, इस चार में से जो मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एक्स वाई जेड देगा, उस लोड केस को मैं कंसिडर करूँगा. साइक्लोन के लिए सिर्फ नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन द थिंग्स विच आर गिवन इन IS कोड इज लुकिंग लाइक अ साइक्लोन एक्चुअली. आप IS 875 पार्ट 3 में ये सब दिया गया है, IS 875 पार्ट 3 इज अ कोड फॉर विंड लोड्स, सो उसमें ये सब दिया गया है, ठीक है. सो वील फिनिश आवर लेक्चर, आई थिंक कोई डाउट्स है नहीं. सो वील मीट ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. जय हिंद, जय भारत.